चलिए, अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून गाइस। आवाज आ रही है सभी को? प्लीज बताइए गाइस, आवाज आ रही है क्या? चलो बताएंगे, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, कैसा क्या? सभी लोग अपने स्लाइडर को एकदम लास्ट तक ले जा लो गाइस, एकदम लास्ट तक के। चलो सभी के ऐसा आने चालू हो गए हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो तो स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, और अब अपन बात करने वाले हैं, आज जो अपनी क्लासेस में बात होगी वो बात होगी रिस्ट्रेन को लेकर के, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, ठीक है? चलो गाइस तो स्टार्ट करने जाते हैं गाइस, और आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, रिस्ट्रेन्स के बारे में। कल अपना चालू हो गया था चैप्टर नंबर 6 मेरी बुक के हिसाब से, और उसी के अंतर्गत ही अपन ने आधा कंप्लीट किया था। तो आज स्टार्ट हो रही है बातें कहां से दोस्तों, रिस्ट्रेन से। रिस्ट्रेन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम यहां पर तीन बातचीत करेंगे दोस्तों। एक होगा रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एक होगा रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, और एक होगा रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो तीन बातें होगी दोस्तों, कौन कौन सी? दैट इज रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, और रिस्ट्रेन ऑफ व्हाट दोस्तों? लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर मैं रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज की बात करूं, मतलब रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना दोस्तों, और अगर आप किसी को शादी करने से रोकने की बात करते हैं तो उस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। अगर आप किसी को व्यापार करने से रोकने की बात करते हैं तो उस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, और अगर आप किसी को केस करने से रोकने की बात करते हैं तो उसे अपन बोलते हैं रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज की बात की जाए दोस्तों, तो जनरली ये कैसा होता है दोस्तों? वॉइड। कैसा होता है दोस्तों? वॉइड। जैसे कि अपन देख ही रहे हैं बेटा, पोपटलाल की शादी हो ही नहीं पा रही है बेटा, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहां पर अगर मान लीजिए पोपटलाल के साथ कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि भाई तुम क्या नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, और अगर वैसा कोई अग्रीमेंट करने की कोशिश करे तो वह अग्रीमेंट कैसा हो जाएगा दोस्तों? वॉइड हो जाएगा। बट अगर आप बात करें दोस्तों इनडायरेक्ट रिस्ट्रेन की, किसकी बात करें दोस्तों? इनडायरेक्ट रिस्ट्रेन की, तो इनडायरेक्ट रिस्ट्रेन को अपन बोलते हैं दोस्तों वैलिड। इनडायरेक्ट रिस्ट्रेन को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? वैलिड। तो अगर देखा जाए दोस्तों इनडायरेक्ट रिस्ट्रेन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिस्ट्रेन मतलब इसके अंतर्गत हम डायरेक्टली आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप शादी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हां ऐसा है कि बॉस अगर आप शादी करेंगे तो फिर आपका एक फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, या फिर आपको एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ेगा, उस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं दैट इज इनडायरेक्ट रिस्ट्रेन। एग्जांपल के नाम पर देखते दोस्तों होता क्या है, मिस्टर एक्स होते बेटा, और एक्स जो है एक्स की है, एक्स ने की है दो शादी बेटा, एक की है वाई से और एक की है जेड से। अमीर आदमी होगा तभी बेटा दो शादियां होंगी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी इनके पास। अब यहां पर इंसान एक को नहीं संभाल पा रहा है, भाई साहब ने दो दो को संभालने की कोशिश की, क्या ये ज्यादा समय तक जिंदा रह पाए? आंसर इज नो।
आज हमारे बीच में एक्स नहीं है बेटा, सिर्फ एक्स की यादें हैं। अब वो भाई साहब हमारे बीच में नहीं है। अब हुआ ऐसे ही कि एक्स की हो गई है डेथ दोस्तों। अगर एक्स की डेथ हो गई तो हुआ क्या, जो फिर वाई है और जेड है उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये बोला कि भाई जो एक्स की 100 करोड़ की जायदाद है, एक्स की जो 100 करोड़ की जायदाद है, वो 100 करोड़ की जायदाद में हिस्सा वाई को या जेड को सिर्फ तभी मिलेगा अगर वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो आपस में दोनों ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वाई अगर मान लीजिए वाई ने बोला जेड से अगर जेड तुमने कोई और शादी किया तो तुम्हें 100 करोड़ में हिस्सा नहीं मिलेगा, जेड ने बोला वाई से कि अगर तुमने कहीं और शादी किया तो तुम्हें 100 करोड़ में हिस्सा नहीं मिलेगा। मतलब दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि उन लोग कहीं शादी नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो उन्हें 100 करोड़ में हिस्सा नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम्हें 100 करोड़ में हिस्सा चाहिए है तो शादी मत करो, 100 करोड़ में हिस्सा नहीं चाहिए तो आप शादी कर सकते हैं। उस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज का इनडायरेक्ट। ये क्या बोला जाता है, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज बट इनडायरेक्ट। और ये कैसा है, वैलिड है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको डायरेक्टली रोका नहीं जा रहा है। 100 करोड़ नहीं चाहिए तो आप शादी कर सकते हो, तो ऐसा आपको रोका नहीं जा रहा है, तो इस टाइप का रिस्ट्रेन इज टर्म्ड एज वैलिड। समझ में आ गया पक्का? चलो दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे बीच में, दैट इज नोन एज रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, व्यापार करने से रोकना। आज अगर अपन बात करें दोस्तों तो आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें सिखाया है कि भाई आपके पास लिबर्टी है, आपके पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजों की फ्रीडम है। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो भाई ट्रेड करने का सभी के पास क्या है दोस्तों, अधिकार है। अगर आप लॉफुल ट्रेड करते हैं तो लॉफुल ट्रेड आप आराम से कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसान लॉफुल ट्रेड को करने से आपको रोकेगा तो वो जो लॉफुल ट्रेड करने से अगर वो आपको रोक रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, वॉइड। क्या बोलेंगे अपन उसको दोस्तों, वॉइड। मतलब कि बॉस अगर कोई भी आपको एक व्यापार करने से रोक रहा है या ऐसा कोई अग्रीमेंट कर रहा है कि आप व्यापार नहीं करेंगे तो ऐसा अग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज वॉइड, ऐसा अग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज वॉइड। तो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या हो सकता है बेटा, वॉइड हो सकता है। लेकिन ध्यान से समझना, हर प्रकार का रिस्ट्रेन क्या नहीं होता दोस्तों, वॉइड नहीं होता। एग्जाम्पल के नाम पर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा मैंने क्या किया, एक स्कूल बनाया नाहटा पब्लिक स्कूल, ठीक है, और मैं हूं उसका प्रिंसिपल। अब इसी स्कूल के पास क्या बन गई, एक बड़ी सी बिल्डिंग, और बिल्डिंग पर क्या लिखा है, बिल्डिंग पर लिखा हुआ है बेटा किंग फिशर। आइए अब मान लीजिए हमने एक स्कूल बनाई है, उसका नाम रखा है नाहटा पब्लिक स्कूल। और मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी दोस्तों, एक यहां पर पास में एक शॉप ओपन हो गई जिसका नाम क्या रखा गया है, किंग फिशर, ठीक है। वैसे देश का भविष्य जो बच्चा है वो मस्त मेरी स्कूल में चल करके आता है, एकदम आता है, मस्त घुस जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भाई जैसे ही ये किंग फिशर की शॉप ओपन हुई तो बच्चा क्या होता है, बच्चे यहां से यहां जाता है, एक बार यहां पर आकर के माथा टेकता है बेटा, और माथा टेकने के बाद जब यहां से निकलता है तो ना जाने क्यों बच्चे के कदम जो होते हैं दोस्तों वो लड़खड़ाने लग जाते हैं, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो ऐसा करके स्कूल में घुसता है। अब आप मुझे बताइए कि आज अगर देखा जाए तो भाई देश का भविष्य क्या है, बताइए, लड़खड़ाता हुआ मुझे दिख रहा है। अब ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने क्या किया, मैं गया भाई किंगफिशर के मालिक के पास, विजय माल्या के पास, और मैंने कहा भाई आपको ये शॉप बंद करानी पड़ेगी, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, आप जो पैसा बोलोगे, मुंह मांगिए, आपको कीमत देने को तैयार हूं, आप बस ये क्या कर दीजिए, इस शॉप को क्लोज कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए, मैंने किंगफिशर को बंद करने की बात की है, अब यहां पर वैसे तो मैं कर रहा हूं रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ऐसे स्कूल के पास में अगर किंगफिशर की शॉप को मैं बंद करने की बात कर रहा हूं तो ये वैलिड होना चाहिए कि वॉइड होना चाहिए, बताइए दोस्तों, वैलिड होना चाहिए कि वॉइड होना चाहिए? द आंसर इज ये वैलिड होना चाहिए, ये वाली चीज वैलिड होना चाहिए, क्योंकि भाई ये वाली चीज जो मैं कर रहा हूं ये देश के भविष्य के लिए ही कर रहा हूं, तो ऑन दैट बेसिस ये क्या हो जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। लेकिन मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, यहां पर जो है यहां पर एक बुक स्टोर भी ओपन की गई है, बुक स्टोर। अब आप मुझे बताइए अगर बुक स्टोर भी ओपन की गई है तो मैं बुक स्टोर भी बंद कराना चाहता हूं, किंग फिशर भी बंद कराना चाहता हूं, दोनों ही बंद कराना चाहता हूं, क्या दोनों बंद कराना सही रहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं किंग फिशर बंद कराता हूं तो वो वैलिड मानी जाएगी, और बुक स्टोर बंद कराता हूं तो वो वॉइड माना जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई पक्का अच्छे तरीके से दोस्तों? चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट दैट इज रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। और रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के अंतर्गत अपन ने एक चीज समझ ली कि यहां पर जो होता है वो वॉइड होता है, वॉइड टू डेट एक्सटेंट होता है, वॉइड टू डेट एक्सटेंट होता है, वॉइड टू डेट एक्सटेंट मतलब कि अगर आप लॉफुल बिजनेस को बंद कराने की कोशिश करोगे तो वो वॉइड होगा, और अगर आप बुक स्टोर्स बंद करा, और अगर आप अनलॉफुल बिजनेस लाइक ये जो किंग फिशर की शॉप है इस टाइप की शॉप को बंद कराने की बात करोगे तो वो वैलिड होगा। समझ में आ गया पक्का? लेकिन इसी के ही है क्या दोस्तों, इसी के ही है कुछ
कुछ हमारे बीच में, दैट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के नाम पर अगर अपन बात करें तो दो एक्सेप्शन है, एक है स्टैट्यूटरी प्रोविजन और एक है जुडिशियल डिसीजन। ये जो एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन के तहत यहां पर भले ही होगा रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड बट इट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। और यहां पर है दो बातें बेटा, एक है सेल ऑफ गुडविल की, पार्टनरशिप अग्रीमेंट की। आइए पहले बात करेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजन को लेकर के। स्टैट्यूटरी प्रोविजन की बात की जाए दोस्तों, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंतर्गत क्या है? स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंतर्गत पहला कांसेप्ट है, दैट इज सेल ऑफ गुडविल। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? ये जो इतने सारे आप ब्रांड नेम्स देख पा रहे हैं दोस्तों, इन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं? गुडविल। आज मर्सिडीज की बात करें, ऑडी की बात करें, नाइकी की बात करें, कोका कोला की बात करें, एडिडास की बात करें, ये क्या है दोस्तों? ये गुडविल क्रिएट करता है। आज अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं इंसान कोई भी गुड्स को खरीदता है तो उसके ब्रांड नेम की वजह से खरीदता है। आपने भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया तो आपने भी ब्रांड नेम को देखा, नाहटा प्रोफेशनल क्लासेस आपने उठा करके क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब मान लीजिए मैं इस ब्रांड नेम को अगर बेचता हूं, तो ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, नाहटा क्लासेस का ब्रांड नेम उठा करके, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने मिस्टर अंकित, मैंने उनको बेच दिया। अब क्या होगा? अंकित अपने अपनी अपने जो कोचिंग क्लासेस है सामने लिखना चालू कर देंगे नाहटा प्रोफेशनल क्लासेस। सभी बच्चों को लगेगा, अरे ये तो वही नाहटा प्रोफेशनल क्लासेस है जिसने बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स प्रोड्यूस किए और इनके टीचर्स तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सभी बच्चे अंकित का क्या ले लेंगे? एडमिशन ले लेंगे। भाई अंकित का वर्किंग चालू हो जाएगा। तो इसीलिए अंकित ने ये सपना देख करके क्या किया, मुझे 5 करोड़ रुपए दिया और मुझसे क्या खरीद लिया? मेरा ब्रांड नेम खरीद लिया। लेकिन व्हाट अबाउट दोस्तों, अगर मान लीजिए जैसे ही अंकित ने नाहटा प्रोफेशनल क्लासेस का बोर्ड लगाया, अब बच्चे अंदर आने लग गए, कुछ बच्चे डेमो देख रहे हैं, अब वो बच्चे डेमो मेरे यहां पे भी देखे, अच्छा नाहटा प्रोफेशनल क्लासेस जो अंकित की है वहां पर भी देखने लग गए। और मैंने क्या किया, मैंने अपनी खुद की एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिया। अगर मैंने अपनी खुद की एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दिया तो होगा क्या भाई, अंकित के स्टूडेंट्स जो होंगे, जो नाहटा प्रोफेशनल क्लासेस में जा रहे हैं, वो एक बार मेरी क्लासेस में भी आएंगे, मुझसे भी पढ़ेंगे। अच्छा कहीं ना कहीं क्वालिटी भाई मैं बहुत अच्छी दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे पास एक्सपीरियंस है। और नाहटा जो नाम बना था वो हमारी टीम की मेहनत से ही बना था, तो हमारी टीम जब पढ़ाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो बच्चे को अंकित के कंपैरिजन हमारी कोचिंग क्लासेस ज्यादा बेहतर लगेगी। मतलब सारे बच्चों को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि अंकित तो बस ठीक है भाई, उसने ब्रांड नेम खरीद लिया, लेकिन मेन फैकल्टीज तो कौन है? मेन फैकल्टीज तो बेसिकली वो कौन है बेटा, ये मेन फैकल्टीज तो बेसिकली कौन है? दैट इज यहां पर बैठे हुए। तो उस केस के अंतर्गत तो भाई पूरी कोशिश तो यही रहेगी ना कि बच्चे सब यहां पर आने चालू हो जाएंगे, यहां पर ट्रांसफर होने चालू हो जाएंगे, तो जिसके कारण नुकसान हो जाएगा। किसका नुकसान होगा बेटा? ये अंकित का नुकसान होगा। तो अंकित ने मुझे 5 करोड़ रुपए भी दे दिए, प्लस अंकित के पास बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, नाहटा नाम खरीदने का उन्हें फायदा भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है कि अंकित ये बोलेगा कि सर अगर आप मुझे अपना ब्रांड नेम बेच रहे हैं, अंकित क्या बोलेगा, अगर आप मुझे अपना ब्रांड नेम बेच रहे हैं तो सर आप सेम बिजनेस को एक रीजनेबल टाइम तक, एक रीजनेबल विसिनिटी तक नहीं करेंगे। वो मेरे से अंकित बोलेगा ही बोलेगा कि सर अगर आप नाहटा का ब्रांड नेम मुझे बेचोगे और खुद ही सीए की कोचिंग पढ़ाने लग जाओगे, मेरे जस्ट बाजू में ही पढ़ाने लग जाओगे, तो ऐसे में तो बच्चे आप ही के पास ही जाएंगे, तो सर ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑन दैट बेसिस सर अगर आप मुझे अपना ब्रांड नेम दे रहे हो तो आप सेम बिजनेस को एक रीजनेबल टाइम तक, एक रीजनेबल विसिनिटी तक नहीं करोगे। क्या ये मुझे धंधा करने से रोक रहा है? बिल्कुल रोक रहा है। लेकिन क्या ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जो है, क्या ये वैलिड होगा कि वॉइड होगा? द आंसर इज ये वैलिड होगा। समझ में आया दोस्त? पक्का? अच्छे से। अब अगर देखा जाए तो भाई इनको पता चल गया अच्छा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो पता मेरे पास आए बोलते सर आप ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए कि आप सेम बिजनेस को पूरे इंडिया में कहीं नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए क्या पूरे इंडिया में कहीं नहीं करेंगे, क्या ये कुछ ज्यादा हो गया क्या? आंसर इज यस। क्या ये रीजनेबल एरिया बोल रहे हैं? आंसर इज नो। तो ऑब्वियसली बात है इस केस के अंतर्गत देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा वाइट। अच्छा मुझसे बोलते सर, मैंने कहा चलो ठीक है भाई मैं क्या नहीं करूंगा, मैं कोचिंग क्लासेस कॉमर्स की नहीं लूंगा, मैं साइंस की लूंगा। मैंने क्या करना चालू कर दिया, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास ओपन कर दी। अब आप मुझे बताइए वहां पर भी आके खड़े हो गए सर आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ा सकते। अब आप मुझे बताइए क्या मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं कि नहीं पढ़ा सकता हूं? पढ़ा सकता हूं भाई। इससे उनके बिजनेस को क्या हार्म होने वाला है? कोई हार्म नहीं होने वाला है। ऐसा थोड़ी ना होगा अच्छे नाटक केमिस्ट्री पढ़ा रहे तो बच्चे ने कॉमर्स छोड़ करके साइंस ऑप्ट कर लिया, तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। तो ऑन दैट बेसिस देखा जाए तो भाई ऐसे केस के अंतर्गत कहीं ना कहीं इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो अगर इनको नुकसान नहीं हो रहा है तो क्या नहीं कर सकते दोस्तों? ये अग्रीमेंट करने करके मुझे साइंस पढ़ाने से मना नहीं कर सकते, और मना करेंगे तो दैट अग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज वॉइड। समझ में आया दोस्तों?
पक्का अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, तो पहला कंसेप्ट अपना हो गया, डेट इज सेम बिजनेस रीजनेबल टाइम और सर्टेन विसिनिटी तक रहा। तो भाई अगर ये मना करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, वैलिड रहेगा, ठीक है, भले ही रोक रहे हैं मुझे धंधा करने से, बट इट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। दूसरा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंतर्गत अब कई बार क्या हो जाता है, पार्टनर हमें छोड़ करके जाता है। अगर पार्टनर हमें छोड़ करके जा रहा है तो देयर मे बी अ चांसेस कि भाई जो पार्टनर है उसको हमारे यहाँ के सारे बच्चों के बारे में पता है, सारे बच्चों का डेटाबेस पता है। तो आज वो क्या करेगा, आज वो बेसिकली हमारे यहाँ से निकल करके क्या करेगा, आज वो दूसरा पर्टिकुलरली क्या करेगा, जगह पर अपनी कोचिंग क्लासेस खोलेगा और फिर मेरे बच्चों को अपने यहाँ पर बुलाएगा। तो क्या ये सही होगा क्या? नहीं। इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पार्टनर को सकता हूं कि तुम्हें छोड़ करके जाना है जाओ, लेकिन एक अग्रीमेंट पे साइन करके जाओ कि तुम सेम बिजनेस को पर्टिकुलर विसिनिटी तक एक रीजनेबल टाइम तक नहीं करोगे, और ये अगर सब कुछ रीजनेबल रहा तो मैं रोक रहा हूं तुम्हें बिजनेस करने से, बट इट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। तो होगा वो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, बट इट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे तरीके से। चलो, सेम अप्लाइज टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आल्सो। समझ में आए? पक्का अच्छे से। अच्छा, व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग पार्टनर? एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब मान लीजिए जो पार्टनर अभी मेरे यहाँ है, जो मेरे यहाँ पर अभी भी पार्टनर है। अब आप मुझे बताइए, जो इंसान मेरे यहाँ अभी भी पार्टनर है, क्या उसे और कहीं बिजनेस करने का अधिकार मिलना चाहिए क्या? नहीं। ऑब्वियसली बात है, मैं उसे यही बोलूंगा, भाई अगर तुम मेरे यहाँ पार्टनरशिप में हो तो तुम और कहीं क्या नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मेरे यहाँ पार्टनर हो तो मैं तुम्हें और कहीं बिजनेस करने नहीं दूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो मैं उसे रोक रहा हूँ, क्या मैं सही के लिए रोक रहा हूँ? बिल्कुल सही है दोस्तों। अदरवाइज वो क्या करेगा, अदरवाइज वो मेरे यहाँ पे भी रहेगा और साथ ही साथ दूसरी जगह भी जाएगा। दूसरी जगह में अगर मान लीजिए वो कोशिश ये कर सकता है कि अगर उसको वहां पर ज्यादा फायदा हुआ तो यहाँ के बच्चों को वहां लेकर के जाएगा, या फिर अकेला प्रोपराइटर बन करके वहां काम करेगा तो यहां के बच्चों को वहां लेकर के जाएगा, जिसकी वजह से मेरे फर्म को हानि हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे भाई, एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी मना कर सकते हैं कि बॉस आप क्या नहीं करेंगे, सेम बिजनेस एक रीजनेबल टाइम तक एक पर्टिकुलर विसिनिटी तक नहीं करेंगे। सर ये विसिनिटी क्या होता है? विसिनिटी का मतलब होता है एरिया। एरिया समझ में आ रहा है? जैसे कि आज फॉर एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, मैं मुंबई के अंदर काम करता हूं, मैं किसी को रोक सकता हूं कि भाई तू मुंबई में क्या नहीं करना, तो मुंबई में पर्टिकुलरली मेरे यहां पे कोचिंग क्लासेस एक और ओपन नहीं करना, लेकिन उसके अलावा अगर और कहीं ओपन करना चाहे तो बाकायदा कर सकता है। कोई भी डाउट? पक्का? चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये सारा कुछ समझ में आ गया है। तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में तीन बातें होती है, आउटगोइंग पार्टनर, डिसोल्यूशन और एग्जिस्टिंग। समझ में आ गया? तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी अपन सेम बिजनेस करने नहीं देंगे जब तक कि वो मेरे यहाँ है। आउटगोइंग पार्टनर को भी बोल देंगे भैया तुम जा रहे हो लेकिन सेम बिजनेस नहीं करोगे, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर अपन इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे केस के अंतर्गत वो हमारे पार्टनर्स, हमारा जो कस्टमर बेस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। चलिए, तो एक तरीका होता है जैसा कि अपन ने देखा था दोस्तों, एक तरीका होता है जुडिशियल डिसीजन और एक तरीका होता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन। मैंने आपको बता चुका है स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अब आते हैं किसमें, जुडिशियल डिसीजन के केस में। जुडिशियल डिसीजन की बात की जाए तो इसमें आपको कितनी चीजें देखने को मिलेगी, तीन चीजें। पहला है दोस्तों ट्रेड कॉम्बिनेशन, दूसरा है सोल डीलिंग एजेंट। व्हाट इज ट्रेड कॉम्बिनेशन? अब ध्यान से समझो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें उस केस के अंतर्गत, ध्यान से समझिए, कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें दोस्तों, तो आज मजा किसमें धंधा का, जब अपन अपने प्राइस खुद तय करें। एग्जाम्पल के नाम पर आज अगर मुझे इस बैच के 50,000 रुपए लेने, 1,00,000 रुपए लेने, 10,000 रुपए लेने या 5,000 रुपए लेने, ये तय किसको करना चाहिए? मुझे तय करना चाहिए। जब मैं तय करता हूं तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती है, मुझे बिजनेस करने का असली मजा तभी आता है दोस्तों। तो ट्रेड कॉम्बिनेशन मतलब कि यहां पर क्या हो जाता है, ध्यान से समझना दोस्तों। आज होता क्या, सब्जी मंडी के अंतर्गत अगर आप जाएंगे तो अगर आप एक सब्जी वाले से एक रेट लेंगे कि भाई टमाटर कैसे दिया, वो बोलेगा 25, आप उसे गिरा पड़ा करके कितना ला पाएंगे, 20। एक और आगे ठेले पे गया, उसने बोला 23, अगर आप उसे नेगोशिएट करेंगे तो वो भी किस में आएगा, 20। एक ने बोला 22, उसको भी नेगोशिएट करोगे तो कितना आएगा, 20। एक ने बोला 20, उसको नेगोशिएट करोगे तो वो 20 से नीचे जाएगा ही नहीं। मतलब आपने इन सभी के अंतर्गत एक कॉमन चीज देखी थी, हर कोई आकर के कहां पर रुक गया, 20 पे आकर के रुक गया। अगर सभी लोग 20 पे आकर के रुक गए, इसका मतलब 20 के नीचे कोई बेचना नहीं चाहता। आखिर क्यों बेचना नहीं चाहते? क्योंकि दोस्तों आपस में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये सब्जी मंडी के अंतर्गत एक एसोसिएशन चलता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने आपस
आपस में एक प्राइस फिक्स कर लेते कि इसके नीचे कोई नहीं बेचेगा, इसके ऊपर जिसको बेचना है बेचो, जितने का बेचना है बेचो, लेकिन इस प्राइस के नीचे नहीं बेचेंगे, क्योंकि दो लोगों अगर बहुत ज्यादा लड़ाइयां करेंगे तो तीसरे का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आपस में एक ट्रेड कॉम्बिनेशन कर लिया जाता है और वहां सब्जी मंडी में एक प्राइस के नीचे कोई प्राइस को अलाउ नहीं किया जाता है बेचना। अब आज मुझे बताइए, क्या यहां पर प्राइस फिक्स करने का अधिकार क्या मेरे ऊपर मिल रहा है क्या? आंसर इज नो, कहीं ना कहीं प्राइस फिक्स करने का अधिकार मुझे नहीं मिल रहा है। आज मैं चाहता हूं कि मैंने टमाटर तो 6 रुपए किलो में खरीदे, मैं तो उसे 18 रुपए किलो में भी बेचूंगा, 12 रुपए किलो में भी बेचूंगा, बट द प्रॉब्लम इज कि भाई वो सब्जी मार्केट के अंतर्गत मुझे अलाउड ही नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेड एसोसिएशन का क्या हूं, मेंबर हूं, और सबने मुझे बोल रखा है कि बॉस ऐसा नहीं चलेगा, आप सभी को रेट जो है वो 20 के नीचे कोई भी नहीं लाएगा। तो ऑन दैट बेसिस आज ये अग्रीमेंट के तहत क्या हो रहा है दोस्तों, आज अग्रीमेंट के तहत मैं प्राइस फिक्स नहीं कर पा रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जैसी फीलिंग दे रहा है, वो मेरे को एक तरीके से लग ही नहीं रहा, धंधा करने में मजा ही नहीं आ रहा। तो वो है तो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? द आंसर इज अच्छा है। तो इसीलिए ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जो है होगा ट्रेड कॉम्बिनेशन में, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट दोस्तों, वैलिड। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो टमाटर का भाव है वो आपस में सब्जी मंडी वालों ने 200 रुपए तय कर लिया, 6 रुपए में मिल जाता है दोस्तों अगर आप किसान से सीधा खरीदे तो, और इन्होंने आपस में कितने रुपए तय कर लिया बताइए, 200 रुपए तय कर लिया। ये मोनोपोली में रहना चाहते हैं फिक्स करके, किसका अपोज टू पब्लिक पॉलिसी करना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट सॉरी ये पब्लिक के अपोज में काम करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में देखा जाए तो बॉस ये चीज गलत की आपने, तो ये क्या माना जाएगा, वॉइड। मतलब 200 रुपए रखोगे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा वॉइड, अदरवाइज अगर आप कोई रीजनेबल प्राइस रखते हो तो इट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। समझ में आए? नेक्स्ट, सोल डीलिंग एजेंट। सोल डीलिंग एजेंट मतलब आज अगर अपन बात करें दोस्तों, आपके सामने कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आज जितने भी साबुन अगर आपको मार्केट में मिल रहे हैं, जितने भी टूथपेस्ट ब्रश आपको मार्केट में मिल रहे हैं, जितने भी आपको ये जितने भी वॉशिंग पाउडर मार्केट में मिल रहे हैं, वो सब क्या है दोस्तों, वो सब HUL का ही प्रोडक्ट है। तो अब मान लीजिए दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है लक्स। लक्स क्या करती है दोस्तों, साबुन बनाती है, और ये सारे साबुन को बेचने के लिए HUL ने उनके साथ क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट। HUL ने बोला साबुन तुम कितने बनाते हो साल बने, बोले सर हम 20 लाख पीस बनाते, ठीक है पूरा 20 लाख। HUL बोलता है मैं खरीदने को तैयार हूं, तो पूरा 20 लाख कौन खरीदेगा, HUL खरीद लेगा। ऐसा उसने किसको बोल दिया बताइए दोस्तों, लक्स को बोल दिया। तो अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों, अगर मैं लक्स की बात करूं तो लक्स क्या कर रहा है बताइए, HUL को, ध्यान से समझना, लक्स क्या कर रहा है, लक्स जो है बेसिकली HUL को ही सारे के सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा है। तो आज अगर देखा जाए तो असली मजा किस में है दोस्तों, एक ही कस्टमर को कोई माल बेचने में कि ज्यादा कस्टमर को। आज आप मुझे बताइए, जब मैं फिजिकल क्लासरूम में आना चाहता हूं तो मेरा मन क्या करता है बेटा, मेरा मन करता है कि इतने सारे बच्चे हो जाए, इतने सारे बच्चे हो जाए कि रूम फट जाए बेटा। कई बच्चे तो स्टेज में भी बैठ करके पढ़े, मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। तो इसका मतलब क्या, मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स चाहिए। लेकिन अब आप मुझे बताइए, लक्स ने HUL से सॉरी HUL ने लक्स के साथ क्या बोल दिया कि भाई तुम्हें जितने 20 लाख सोप बना रहे हो सब मुझे बेचोगे, मेरे अलावा और किसी को नहीं बेचोगे। आपको लगता नहीं ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है? बिल्कुल रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है, लक्स के लिए ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड ही है। लेकिन लक्स के लिए क्या ये फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लक्स है उसका कोई डेड स्टॉक नहीं है, जितना अमाउंट में तय हो गया उतने अमाउंट में बिक भी जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये तो लक्स के लिए काफी अच्छी बात है। तो ये जो है ये है तो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, लेकिन इट विल बी टर्म्ड एज अगेन वैलिड। नेक्स्ट है दोस्तों सर्विस अग्रीमेंट। व्हाट इज सर्विस अग्रीमेंट? सर्विस अग्रीमेंट मतलब जॉब। जॉब वाली बात को अपन क्या बोलते हैं, सर्विस अग्रीमेंट। होता है ना कि माँ आज मैं सर्विस पे जा रहा हूँ, माँ मेरी सर्विस लग गई है, तो दिस इज नोन एज व्हाट दोस्तों, सर्विस अग्रीमेंट। मतलब आप कभी किसी के यहाँ अगर नौकरी पे जाते हैं तो उस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं सर्विस अग्रीमेंट। उसके अंतर्गत क्या कहानी है ध्यान से समझेंगे दोस्तों। सर्विस अग्रीमेंट के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो तीन मेन बातें। पहली चीज दोस्तों, कई बार अगर मैं एम्प्लॉय को रखता हूँ तो मैं एम्प्लॉय को ये बोलता हूँ कि जब तक तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो तब तक तुम और कहीं काम नहीं करोगे, जब तक मेरे यहाँ काम करोगे तब तक और कहीं काम नहीं करोगे। क्या मैं उसको धंधा करने से रोक रहा हूं? बिल्कुल रोक रहा हूं। लेकिन क्या ये वैलिड होना चाहिए कि वॉइड होना चाहिए? आंसर इज ये वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज वो मेरे यहां पे भी काम करेगा और मेरे अलावा और भी कहीं काम करेगा, तो मेरे राज वहां पर बताएगा, वहां के राज मुझे बताएगा, बहुत गड़बड़ घोटाला करेगा। तो इसीलिए यहां पर क्या बोल दिया गया कि बॉस अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा क्लॉज होता है जिसके अंतर्गत एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को और कहीं काम करने से रोकता है तो है तो ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, बट ये कैसा माना जाएगा, वैलिड। कई बार अपन ऐसा भी बोल देते अपने एम्प्लॉई को कि भाई तुम मेरे यहां पर अगर आ रहे हो तो आपको कम से कम 5 साल क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नौकरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज तुम आओ मेरे यहां पे पूरा काम सीखो, और काम सीखने के बाद क्या करो, काम सीखने के बाद तुम मेरे यहां से चले जाओ छोड़ करके और किसी के नौकरी करो। तो ऑब्वियसली बात है तुम मेरे यहां आए थे और मेरे यहां तुमने एक तरीके से क्या किया दोस्तों, ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनिंग लेकर के आप चले गए, तो इससे तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, नुकसान। मतलब मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग भी दिया, तुम्हारी गलतियों को माफ भी किया, और तुम्हें क्या किया, तुम्हें सैलरी भी पे किया,
दिया। तो ऐसे केस के अंतर्गत क्या होता है, ऐसे केस के अंतर्गत अपन उसे बोल देते हैं भाई कम से कम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5 साल तक के तुम्हें मेरे यहां पर क्या करना पड़ेगा, जॉब करना ही पड़ेगा। तो ऐसा अग्रीमेंट जिसके अंतर्गत अपन उसे ये बोलते हैं कि भाई जब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बार मेरे यहां जॉब पे लगे तो 5 साल तक के जॉब करना ही पड़ेगा। तो हालांकि अपन ने उसको और कहीं जाने से रोक दिया तो यह है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, बट इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वैलिड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों, अगर मेरे यहां नौकरी छोड़ करके अगर मेरा एम्प्लॉय कहीं और जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसके पास मेरे क्या है, राज हैं। अगर मेरे बहुत सारे राज अगर उसको पता है तो ऑब्वियसली बात है वो उन राज के थ्रू क्या कर सकता है कि वो मेरे कस्टमर को भी सॉलिसिट करेगा और मेरे राज को भी क्या कर सकता है दोस्तों, मेरे राज के थ्रू वो कहीं ना कहीं वो क्या कर सकता है, उसका इस्तेमाल करके खुद आगे बढ़ सकता है, जो कि मेरे साथ गलत रहेगा। तो इसीलिए क्योंकि उसको मेरे टॉप सीक्रेट्स पता है, मेरे ट्रेड सीक्रेट्स पता है, तो ऐसे केस के अंतर्गत जो भी अग्रीमेंट अगर मैं करता हूं कि भाई जब तक तुम मेरे यहां छोड़ करके जा रहे हो तो तुम एक रीजनेबल टाइम तक, एक पर्टिकुलर विसिनिटी तक सेम बिजनेस नहीं करोगे, तो वो एकदम सही है। लेकिन मैं उसमें यह लिख देता हूं कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें पर्टिकुलरली अगर तुम अगर मान लीजिए सेम बिजनेस में आओगे तो मेरी मोनोपोली हर्ट हो जाएगी। सिर्फ मैं अपनी मोनोपोली कायम रखने के लिए तुम्हें कहाँ नहीं आना चाहता हूँ बेटा, बिजनेस में आने देना नहीं चाहता। तो उस केस के अंतर्गत देखा जाए तो वो मोनोपोली तोड़ने वाली बात को अगर लेकर के अगर आपने पॉइंट उठाया तो वो वॉइड है। और अदरवाइज तुमने जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि तुम्हें टॉप सीक्रेट्स पता है इसलिए मैं तुम्हें क्या नहीं करना चाहता, सेम बिजनेस में एंटर होने नहीं देना चाहता, तो इट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। समझ में आ गया पक्का? चले तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, और रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के अंतर्गत हमने पढ़े हैं 2 पॉइंट्स दोस्तों, एक हो गया जुडिशियल डिसीजन और एक पढ़ लिया स्टैचुटरी प्रोविजन। स्टैचुटरी प्रोविजन के अंतर्गत एक हमने गुडविल पढ़ लिया, एक हमने पार्टनरशिप पढ़ लिया। अगर हम जुडिशियल डिसीजन की बात करें तो इसके अंतर्गत हमने 3 पॉइंट पढ़े, सोल डीलिंग एजेंट पढ़ लिया, ट्रेड कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, सर्विस अग्रीमेंट पढ़ लिया। सर्विस अग्रीमेंट में भी 3 पॉइंट, जब तक मेरे हो तब तक और कहीं नहीं कर सकते, मेरे यहाँ रहोगे तो कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल आपको तुम्हें काम करना पड़ेगा, मेरे यहाँ से छोड़ करके जा रहे हो तो और कहीं सेम बिजनेस नहीं कर सकते। कोई भी डाउट दोस्तों, फिक्स है? चलो तो दिस वॉज ऑल अबाउट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। कोई भी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अपन बात करेंगे रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को केस करने से रोकना। अगर आप किसी को केस करने से रोकते हैं दोस्तों तो उस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं दोस्तों क्या, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। और रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स कैसा होता है दोस्तों, वॉइड होता है। आज अगेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि बॉस अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है तो आप बकायदा क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। और कोई भी इंसान अगर आपको मना करता है कि तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट वो बनाता है, दैट अग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज वॉइड। समझ में आया दोस्तों पक्का? उसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन का। तो दोस्तों इसके अंतर्गत है कुछ एक्सेप्शन, और उसमें पहला पॉइंट हम एक्सेप्शन का पढ़ने जा रहे हैं, आर्बिट्रेशन। सर व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या होता है दोस्तों? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सर ये कांसेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, आज अपन किसी किसी केस के अंतर्गत, ध्यान से समझना, किसी किसी केस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम कोर्ट जाना पसंद नहीं करते, हम उसके बदले कोई ऐसी जगह जाने की बात करते हैं दोस्तों जहां पर हमें फैसला जल्दी मिल जाए। आज फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो गांव के अंतर्गत हम कोर्ट जाना प्रेफर नहीं करते, गांव के अंतर्गत हम कोशिश ये करते हैं दोस्तों कि हम कहां जाए, पंचायत के पास जाए। और पंचायत हमारे लिए क्या करते हैं दोस्तों, पंचायत हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल केस को सुलझा करके दे दे। तो ये जो केस को सुलझाने की बात होती है इसी कंसेप्ट अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, आर्बिट्रेशन मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके लिए हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम कोर्ट के बदले कोई ऐसे इंसान के पास जाएंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए उस काम को करके दे देगी, हमारे लिए न्याय करके दे देगी। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आज जैसे बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस होती है, रिलायंस है, ONGC है, ये रिलायंस ONGC के अंतर्गत अगर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आएगी जज साहब तो इंसाफ नहीं आएगा। तो रिलायंस ONGC जैसी बड़ी कंपनीज के केस में अगर इनकी लड़ाइयां होती है तो एक एक दिन में करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान होता है, और इन लोगों को पता है कोर्ट में जाएंगे तो पंचायती लंबी होती है। तो इसीलिए
किसके बदले, ये किसके पास जाने की कोशिश करते हैं, आर्बिट्रेशन में जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आर्बिट्रेशन का अपना एक क्लॉज भी होता है, अपना एक एक्ट भी है। आप देखो ना आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, ये देखो एक्ट है दोस्तों, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। आप समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आर्बिट्रेशन ऐसा छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है, आर्बिट्रेशन की अपने खुद के क्या है दोस्तों, आपको मैं बताता हूं, आर्बिट्रेशन की अपनी खुद की वेबसाइट भी है, ये देखो फोरम वेबसाइट नहीं, वेबसाइट ये देखो आर्बिट्रेशन की है, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। और वहां पर क्या है ना, ऐसे जैसे कोर्ट में जज साहब होते हैं ना, वैसे ही बहुत सारे लोगों ने अपना नाम दे करके रखा है आर्बिट्रेशन की वेबसाइट में कि भाई हम क्या करेंगे, केस सुलझाने में मदद करेंगे। मतलब किसी को कोर्ट के पास नहीं जाना है तो आप हमारे पास आ जाओ। अलग अलग ऐसे ना जाने कितने सारे जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपने आप को क्या करके रखा है, आर्बिट्रेटर्स बना के रखा है, जो लोग आपकी बातों को सुनेंगे और सुन करके आपके लिए न्याय देंगे। और एक और चीज याद रखना, कभी भी इसके अंतर्गत क्रिमिनल चीजों के लिए नहीं जा सकते आप। मतलब कि आज सुशांत और रिया वाले केस में आप सोचो आर्बिट्रेशन में हो जाए, तो आंसर इज नो। जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज आते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के तुरंत समझ में आ सकता है कि अच्छा कौन सही है कौन गलत है, उसके लिए लोग आर्बिट्रेशन में जाते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, आज अगर मान लीजिए मैं हूं और फॉर एग्जांपल छोटा कैरी है, तो मेरे और छोटा कैरी के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो गई, हमारा कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कहा हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे दोस्तों किसके पास, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। तो हमने ये आपस में क्या कर लिया, फैसला कर लिया था। तो हमने ये जो फैसला किया ना दोस्तों, इसके अंतर्गत मैं छोटा कैरी को मना कर रहा हूं कि अपन कोर्ट नहीं जाएंगे, अपन आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। तो कोर्ट नहीं जाएंगे मतलब मैं रिस्ट्रेन कर रहा हूं लीगल प्रोसीडिंग से, आंसर इज यस। लेकिन मैं क्या न्याय के लिए मना कर रहा हूं क्या, नहीं। उसके लिए हम किसके पास जाने वाले, आर्बिट्रेशन के पास, आर्बिट्रेटर के पास जाने वाले। और आर्बिट्रेशन जो है दोस्तों, उसके लिए एक अलग से एक्ट भी बनाया गया, मतलब यह भी चीज जो है यह भी लॉफुल है, यह भी सही बात है। तो ऑन दैट बेसिस यहां पर जाना विल बी टर्म्ड एज वैलिड। तो भले ही है तो यह भी रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, बट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। क्या आपको ये बात समझ में आई, पक्का? चलो, आर्बिट्रेशन के अंतर्गत क्या हो जाता है संभव, कि इसके अंतर्गत ना ही कोई कोर्ट टाइप का माहौल नहीं होता, जज साहब नहीं होते, एक नॉर्मल इंसान होता है जो कोई सीए भी हो सकता है, कोई एडवोकेट भी हो सकता है, जैसा मैंने लिस्ट बताया, वो आपकी बातों को सुनेगा और वो क्या करेगा बताइए दोस्तों, वो आपको जजमेंट देगा। कोई भी डाउट, पक्का? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों, दैट इज द कंसेप्ट अबाउट व्हाट दोस्तों, दैट इज लिमिटेशन के बारे में। ध्यान से समझिए दोस्तों, लिमिटेशन के लिए क्या है, वैसे एक लॉ है हमारा, लॉ ऑफ लिमिटेशन, आपको याद होगा मैंने आपको बताया। लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या बोलता है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए आपका उधार जो है वो मैच्योर हो गया, और आपका उधार जो मैच्योर हो गया है दोस्तों, उस उधार को मैच्योरिटी के बाद आपको कितने साल के अंतर्गत वसूल कर लेना है, 3 साल के अंतर्गत। अगर आप 3 साल के अंतर्गत उस उधार को वसूल नहीं करते हैं, तो क्या आप बाद में वसूल कर सकते हैं क्या, नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल वसूल नहीं कर सकते। तो उस केस के अंतर्गत क्या हो जाता है दोस्तों, अगर आप उधार को वसूल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहां पर आप क्यों नहीं वसूल कर पाएंगे, क्योंकि वो वहां पर जो डेट होता है वो डेट हो जाता है टाइम बार डेट। क्या डेट हो जाता है दोस्तों, टाइम बार डेट। तो एक होता है कंसेप्ट, दैट इज लॉ ऑफ लिमिटेशन, जैसे टाइम बार डेट के लिए बोला है कि बॉस आप 3 साल के अंदर अंदर अगर आप उधार वसूल कर पाए तो चलेगा, उसके अलावा आप 3 साल के बाद उधार को वसूल नहीं कर सकते। ऐसा किसने सिखाया दोस्तों, लॉ ऑफ लिमिटेशन ने हमें सिखाया। अब लॉ ने बोल दिया 3 साल, अब इस 3 साल को उठा करके मैं 2 महीना 2 दिन 1 घंटा ये लिख दूं तो क्या चलेगा क्या बेटा, नहीं। लॉ ने एक दिया ना 3 साल, तो कुछ सोच समझ करके अपना दे दिया। अब आप उसमें ये बोल दोगे सामने वाले को कि भाई जैसे ही उधार मैच्योर होगा उसके 2 दिन के अंदर पैसा ले लेना, वरना उसके बाद मैं पैसा नहीं दूंगा। तो अब आप मुझे बताइए, ऐसा अगर आप अग्रीमेंट कर लेंगे जिसके अंतर्गत आप टाइम लिमिट को और डिक्रीज कर देंगे, आप 3 साल से उसको 2 महीना 2 दिन 4 दिन ऐसा कर देंगे, तो क्या आपको लगता नहीं ये बहुत गलत कर रहे हैं? और ये आप अगर गलत कर रहे हैं तो ये लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से बहुत गड़बड़ है दोस्तों, जिसके तहत अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये हो जाता है क्या दोस्तों, ये हो जाता है मतलब ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये लॉ ऑफ लिमिटेशन का ये जो कंसेप्ट है, ये बोलता है कि भैया ये जो आप कर रहे हैं, ये आप कम करने की जो कोशिश कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ टाइम को, इसके कारण आप सामने वाले को लीगल प्रोसीडिंग्स को करने से रोक रहे हैं। तो दिस इज टर्म्ड एज रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एंड हेंस इट इज टर्म्ड एज वॉइड। समझ में आ गया, पक्का? चलो,
नेक्स्ट नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, दैट इज पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। कई बार अपन क्या करते हैं, सामने वाले को ऐसे मुंह पे मना नहीं करते कि तुम केस नहीं कर सकते हो, बट हम ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं जिसे अपन बोलते हैं पार्शियल रिस्ट्रिक्शन, जिसके कारण सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई मैं केस करूं या ना करूं, वो एक इनडायरेक्ट टाइप का उसको फीलिंग आने लग जाता है। जैसे अपन ने अभी शादी वाले केस में देखा था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज में, हम आपके मुंह पे तो मना नहीं कर रहे कि शादी मत करो, हमने बोला अगर शादी करोगे तो 100 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे, शादी नहीं करोगे तो 100 करोड़ मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी है बेटा, यहां पर भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप केस करना चाहो बकायदा केस कर सकते हो। तो वी आर पुटिंग एन इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन, एग्जांपल के नाम पे ध्यान से समझेंगे। होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप जाते हैं कहीं पर बाहर किसी बोलना चाहिए सिटी में जो कि आपकी रेसिडेंट सिटी से अलग है। फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू रायपुर और मैं चला गया मुंबई, मुंबई में मैं क्या कर रहा हूँ, मुंबई में मैं खरीद रहा हूँ, मुंबई से कुछ अपने लिए मैंने जीन्स परचेज किया, ठीक है, आई परचेज द जीन्स ऑफ लाइक डीजल। अरे तुम्हें पता है डीजल की जींस बेटा, डीजल चलिए, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये 1 लाख रुपए की क्या खरीदी बताइए, जींस खरीदी, देख रहे हो आप, ये वाइल मोस्ट ऑफ यूज जींस एज द मोस्ट रग्ड पीस डीजल इज ऑल सेट एंड एट द रुपीज ऑफ कितना बेटा 1 लाख, आप देख पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, ये वाली जींस मैंने खरीद ली, ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव जींस इन इंडिया, ठीक है, दैट इज 1 लाख रुपए की मैंने डीजल की जींस खरीदी। मैं गया था दिल्ली घूमने के लिए, दिल्ली के एक शोरूम से जाकर के मैंने क्या परचेस किया दोस्तों, मैंने 1 लाख रुपए की डीजल की जींस परचेस किया। अब मैंने जब इस 1 लाख रुपए की डीजल की जींस को बेटा जो परचेस किया, मैं लेकर के आया यहाँ पे सब लोगों को दिखा रहा हूँ, मैंने 1 लाख रुपए की जींस परचेस की, 1 लाख रुपए की जींस परचेस की। अब ध्यान से समझना दोस्तों, अब हुआ क्या, यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसा था जिसको पता था असली क्या होता है नकली क्या होता है, उसको ये चीज दिख गई कि बॉस अगर मान लीजिए जो जींस है, ये जींस जो है ये है फॉर एग्जांपल नकली। अब इस नकली जींस के लिए जैसे ही पता चला, मैंने वहां शोरूम वाले को फोन किया, मैंने कहा भाई मुझे पता चल चुका है कि ये जींस नकली है, तो मैं इसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। सामने वाले ने पैसा वापस करने से क्या कर दिया दोस्तों, मना कर दिया। अब आप मुझे बताइए ऐसे केस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्या मैं उसके ऊपर केस करने के लिए उसके शहर जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, 1 लाख रुपए की बात है, उसके शहर जाऊंगा, उसके ऊपर केस कर दूंगा। अब लेकिन ध्यान से समझो, मैं जींस इतनी महंगी नहीं लाया, मैं जींस लाया मात्र कितने रुपए की, 5,000 रुपए की, उसके यहां से 5,000 रुपए की जींस लाया। और ध्यान से समझना, उसने मुझे बिल दिया था, उस बिल पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसके बिल पर, लिखा है कि ऑल डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व्ड इन दिल्ली जुरिस्डिक्शन ओनली। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि भाई अगर आपकी कोई भी प्रकार की हमारे साथ कोई लड़ाई होगी तो वो लड़ाई को सुलझाएंगे हम कहां पर, वो लड़ाई को हम सुलझाएंगे दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में। मतलब इसके लिए आपको कहां पर चल के आना पड़ेगा दोस्तों, दिल्ली में चल करके आना होगा। आप एक बार दिल्ली में चल करके आएंगे तो हम क्या कर देंगे, हम बेसिकली आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और हम आपके केस को क्या कर देंगे, सुलझा देंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब अगर आप मुझे बताइए 1 लाख रुपए की बात होती तो मैं जरूर दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में जा करके उसके ऊपर केस करूंगा और अपनी जींस के पैसे वापस लेकर के आऊंगा। लेकिन अगर बात की जाए कितने रुपए की बेटा, ये 5,000 रुपए की बात है। अब आप मुझे बताइए बेटा 5,000 रुपीज के लिए क्या मैं रायपुर से उड़ करके दिल्ली जाऊं और दिल्ली में एक महंगा वकील करूं, वहां पर होटल में रुकूं और वहां जाकर के उसके ऊपर केस करूं, क्या आपको लगता है मेरा मन करेगा क्या? उसके अलावा मुझे 7-8 दिन जो वहां पर रुकना पड़ेगा उसके लिए मेरा बीच के जो कोचिंग क्लासेस का टाइम है ये वेस्ट होगा, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, मेरी बैडविल हो जाएगी मेरे बच्चों के बीच में। तो अब आप मुझे बताइए ऐसे केस के अंतर्गत क्या मैं वहां जाने की सोचूंगा क्या? आंसर इज नो। तो ऑब्वियस ही बात है, उसने मुझे मना नहीं किया, ये मना नहीं किया कि तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, उसने ये बोला कि भाई केस करना है तो करो, लेकिन तुम्हें कहां आना पड़ेगा, दिल्ली में ही आना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए ये जो मैंने किया है क्या यहां पर अगर देखा जाए, सॉरी ये जो उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है, तो क्या ये एक तरीके का रिस्ट्रेन है? बिल्कुल रिस्ट्रेन है। बट आपको क्या लगता है, ये रिस्ट्रेन वॉइड है कि वैलिड है? द आंसर इज वैलिड है, क्योंकि अच्छे नाटो तुमको रोका नहीं जा रहा है, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, समझ में आया पक्का? सो हेंस इट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। कोई भी डाउट? पक्का? चलो, तो यहां पर रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड हो गया, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स हो गया और रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज हो गया। अब फटाफट यहां पे क्वेश्चंस पूछेंगे। और बच्चों एक वापस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप लोग बीच में चैटिंग में कुछ भी ऐसा मत लिखो जिसके कारण मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। यस नो वैलिड वॉइड ये सब लिखते हो ठीक है, लेकिन जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक मैं डाउट एंटरटेन नहीं कर सकता। संभव आपका ये 5वीं या 6वीं बार एक ही डाउट को आप कॉपी पेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम गया बेटा बीच में। तो ऐसा काम मत करिए, मैं जरूर आप लोगों को समय देता हूं हर क्लास में कि मैं आपको टाइम
देता हूं कि आप उस समय पर पूछिए, तो प्लीज अपने डाउट को रोक करके रखिए, सिर्फ उसी समय पर पूछिए मुझसे। चलिए, पहला डाउट है संभव का। सर, एन आर्बिट्रेशन विच यूजुअली सेट अ लिमिट एंड अ लेवल बियॉन्ड विच यूजुअली वी विल नॉट गो फर्दर टू सीक जस्टिस। नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है संभव। उस केस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बेटा ऐसा कोई इसके अंतर्गत लिमिट नहीं होता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा रहता है कि हम क्या नहीं करेंगे, हम बेसिकली कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट के बदले हम क्या करेंगे, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, वो हमें फटाफट क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा, और उसी के साथ ही हम क्या करेंगे, हम उसी के साथ ही अपने केस को जैसा भी फैसला आएगा उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ होती है, इसमें ऐसे कोई लिमिट वाली बात नहीं है। अगर मैं आपके क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं समझ पाया हूँ संभव, तो एक और बार आप मुझे अलग वर्डिंग्स में लिख करके भेजिए। चलिए, प्रथम, सर 3 साल को इंक्रीज भी नहीं कर सकते ना, मोर देन 3 इयर्स। हाँ बेटा, इंक्रीज भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ने 3 साल दिया है तो वो इसीलिए ही दिया है ताकि 3 साल के पुराने केसेस ना आ जाए। चलो, नेक्स्ट केस है हिना। और जब हम सीए बनेंगे तो सारी कंपनीज में ऑडिट करेंगे, तो अगर हमें रिस्ट्रेन करेंगे तो वैलिड होगा, बट हमारे लिए तो रॉन्ग हो जाएगा। ही ना, एक और बार लिख करके बताइए, एक बार मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। सर कल मेरा टेस्ट है, तो क्या आप इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने ऐप पे डाल सकते हैं? रूपा, मैं हमारा टेस्ट का शेड्यूल लेके, रूपा हमारा तैयार हो चुका है, तो वो टेलीग्राम पर हमने शेयर किया हुआ, आप एक बार वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मुझे डालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एकदम से। ओके सुधीर, ये पीपीटीज जो है अपलोड होने वाली हैं, मैं इस पर बहुत सारे काम करा रहा हूँ। मतलब अभी आप देखेंगे तो ये सारी पिक्चर्स, फोटोज़, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें मैं अपडेट कर रहा हूँ इस पीपीटीज के ऊपर। तो डैट इज़ द ओनली रीज़न कि अभी ये यहाँ पर नहीं डाला जा रहा है। और पिछले जो आज देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से चीज़ें उतनी प्रॉपरली नहीं हुई, 2-3 दिन बर्थडे पे चले गए, उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हो गई, उस पे चले गए। आज मैं 80% थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ अपने अंदर, तो फिर मैं वर्किंग पोजीशन पे हूँ। तो आप समझिए 25th तक के मुश्किल है कि मैं पीपीटीज अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि माई शेड्यूल इज़ वेरी टाइट। 12-13 आवर्स से बैचेस लेने में जाता है, ठीक है। सुबह 8:30 से बैच रहता है, जो कि बहुत लंबा जाता है, ठीक है। तो 13 आवर्स नहीं बोलूँगा, 11-12 आवर्स बैचेस में जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर क्या है सर, मैरिज रिस्ट्रेन वैलिड से फाइनेंशियल टर्म्स के केसेस में। हाँ बेटा, बोल सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए शादी करेंगे तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, और शादी कर लेंगे, सॉरी नहीं करेंगे तो ये पैसा मिल जाएगा, कर लेंगे तो ये पैसा नहीं मिलेगा। सर रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में, ट्रेड में सेम बिजनेस को करने से रोक सकते हैं, बट एक सीए तो हर कंपनी में ऑडिट ही करेगा, तो उस पर रिस्ट्रेन वाला होगा क्या? नहीं बेटा, वो ऑडिट करना इज़ डिफरेंट, ऑडिट इज़ नॉट बिजनेस, ऑडिटिंग इज़ गिविंग सर्विसेज, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस करने से रोक सकते हैं अपन, कि एक सेम आप बिजनेस आप करेंगे तो आपको रोका जा सकता है, लेकिन हाँ आप ऑडिट मतलब सर्विसेज दे रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब एक बच्चा ये थोड़ी ना बोल सकता है मुझे कि आप एक मुझे पढ़ा रहे हो तो मेरे अलावा और किसी को नहीं पढ़ाओगे, ऐसा नहीं बोल सकता ना। चलिए, थैंक यू रूपा। रूपा सॉरी, वो बेटा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब एकदम से ही अभी के अभी, क्योंकि शेड्यूल टाइट है, बैक टू बैक बैचेस लगे हुए हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। चलिए, तब तक और कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं।
सॉरी हाँ, तो हिना मैं ये बोल रहा था कि आप जो भी काम करेंगे वो बेसिकली आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड काम करेंगे, तो उस पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। अभी आवाज़ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब अपन आगे बढ़ते दोस्तों। चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट के अंतर्गत अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे बीच में है, दैट इज नोन एज व्हाट दोस्तों, वेजरिंग अग्रीमेंट। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, अब अपन बात करने जा रहे हैं वेजरिंग अग्रीमेंट के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय वेजरिंग अग्रीमेंट? वेजरिंग अग्रीमेंट का मतलब होता है दोस्तों शर्त लगाने वाला अग्रीमेंट। कौन सा दोस्तों? शर्त लगाने वाला अग्रीमेंट। तो शर्त लगाने वाले अग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? वेजरिंग अग्रीमेंट। अब मैं अगर वेजरिंग अग्रीमेंट की बात करूं दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा है दोस्तों, बचपन में आपने अपने दोस्तों के साथ लगाई होगी बहुत सारी शर्त, और शर्त के अंतर्गत आप बोलते ना, लग गई 10 की, लग गई 50 की, इस कंसेप्ट को ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट के अंतर्गत कुल मिलाकर के 5 पॉइंट्स का पूरा होना जरूरी है दोस्तों। पहला है प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। दूसरा है दोस्तों अनसर्टेन इवेंट। तीसरा है म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस। नीदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल, नो अदर इंटरेस्ट। क्या बोला दोस्तों? ये पांचों चीजें पूरी होनी जरूरी है। कौन कौन सी? प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ, अनसर्टेन इवेंट, म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, नीदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल एंड नो अदर इंटरेस्ट। अगर ये पांचों चीजें पूरी हो जाती हैं, तो उस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं कि देयर इज अ वेजरिंग अग्रीमेंट। और जहां कहीं पर भी वेजरिंग अग्रीमेंट होता है दोस्तों, उसे अपन बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉइड। समझ में आ गया? पक्का? आज एग्जाम के आज एग्जाम्पल के नाम पे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया का मैच चल रहा है और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, शांतनु और मैं बैठ करके मैच देख रहे हैं, और मैं शांतनु से बोल रहा हूँ कि शांतनु भाई इंडिया जीतेगी, तो उसने बोला नहीं नहीं सर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। मैंने कहा इंडिया जीती तो शांतनु बोलते सर मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा, और बोले सर अगर ऑस्ट्रेलिया जीती तो? मैंने बोला मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा। तो अगर यहाँ पर मेरे और शांतनु के बीच में जो बातचीत हुई है, दैट इज अ वेजरिंग अग्रीमेंट। ये होता है शर्त लगाने वाला अग्रीमेंट, क्योंकि हमारे बीच में बातचीत हुई है। भाई पांचों दरवाजे पूरे खुले कि नहीं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि भाई प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ, यस दोस्तों हमने 1,000 रुपए को देने लेने की बात की है। ओके, कौन जीतेगा अभी पता नहीं है, तो अनसर्टेन इवेंट, म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, मतलब कि बॉस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अरे मैं हार जाऊंगा, कहीं ना कहीं कभी उसको ऐसा लगता है कि यार वो हार जाएगा, क्योंकि भाई मान लीजिए इंडिया अच्छा परफॉर्म करने लग गई, उसको डर लगता है रे 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 वो हार जाएगा 1,000 रुपए, कहीं एकदम से एक आध विकेट हो जाता है तो मुझे लगता है अरे नहीं यार मैं हार जाऊंगा, तो म्यूचुअल चांसेस होते हैं गेन और लॉस के। फिर क्या दिया हुआ? नीदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल। नीदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? कि भाई दोनों पार्टी का कोई और भी क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, कंट्रोल होना नहीं चाहिए। आज एग्जाम्पल के नाम पर अगर अपन बात करें दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम बात करें किसकी, अगर अपन बात करें फॉर एग्जाम्पल डेट इज आज मैच की, तो मैच के अंतर्गत आप मुझे बताइए कि क्या मेरा या उसका कोई कंट्रोल है क्या? आंसर इज नो। क्या मेरे बोलने से इंडिया जीतेगी या हारेगी या मेरे उससे होगा क्या? आंसर इज नो। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, नीदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर इंडिया जीत भी गई या फिर अगर मान लीजिए बेटा ऑस्ट्रेलिया जीत भी गई, तो ऐसे केस में आप मुझे बताइए क्या हमारा और कोई फायदा होना है क्या इसमें? नहीं, बस फायदा या नुकसान एक ही चीज का, वो 1,000 रुपए का, उसके अलावा तो कोई ऐसा नहीं है ना, मैन ऑफ द मैच वो जीतेंगे तो हमारे घर ला करके दे देंगे। आंसर इज नो। तो ऑन दैट बेसिस अगर देखा जाए, तो ये पांचों पॉइंट जहां कहीं पर भी पूरे हो जाएंगे, तो वहां पर अपन बोलेंगे देयर इज अ वेजरिंग अग्रीमेंट। और वेजरिंग अग्रीमेंट कैसा होता है दोस्तों? वॉइड। क्या हो जाता है? वॉइड। वॉइड होने के कारण जो भी विनर होगा वो लूजर के ऊपर केस नहीं कर सकता। विनर जो है दोस्तों वो लूजर के ऊपर क्या नहीं कर सकता? केस नहीं कर सकता। और जहां कहीं पर भी वॉइड होता है, आपको याद होगा जो उसके कोलेटरल अग्रीमेंट है वो कैसे होते हैं दोस्तों? वैलिड। कैसे हो जाते हैं दोस्तों? वैलिड। लेकिन हां दोस्तों, दो ऐसे स्टेट है, एक है कौन सा बेटा? गुजरात, और एक कौन सा दोस्तों? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और गुजरात एक ऐसे स्टेट है दोस्तों जहां पर वो क्या है, जहां पर वो इल लीगल है, और इल लीगल होने की वजह से सारे कोलेटरल अग्रीमेंट्स भी क्या हो जाएंगे दोस्तों? इल लीगल। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं दोस्तों विच आर सिमिलर टू वेजर, ठीक है? कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो वेजरिंग के जैसे ही होते हैं। एग्जाम्पल के नाम पर आपको दिख रहा है दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हो जाता है लॉटरी। अरे समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो ट्रांजेक्शन किसके जैसे होते हैं दोस्तों, जो ट्रांजेक्शन बेसिकली होते हैं
कैसे, डेट इज गैम्बलिंग के जैसे ही होते हैं, सॉरी वो वेजरिंग के जैसे ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के नाम पर अगर अपन बात करें लॉटरी ट्रांजेक्शन, आज अगर अपन बात करें लॉटरी ट्रांजेक्शन के केस में, तो लॉटरी ट्रांजेक्शन की बात की जाए दोस्तों, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत भी सारा काम चांस ओरिएंटेड होता है। चांस ओरिएंटेड कैसे भाई, आप जीत सकते भी हो और आप जीत नहीं भी सकते हो। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो ये भी कैसा होता है दोस्तों, वेजरिंग ही होता है। अगर वेजरिंग होता है तो सर क्या ये वॉइड होता है? आंसर इज यस। लेकिन दोस्तों कई जगहों पर आपको देखने के लिए मिलेगा गवर्नमेंट ऑथराइज लॉटरी। कई जगहों पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? गवर्नमेंट ऑथराइज लॉटरी। तो गवर्नमेंट ऑथराइज लॉटरी की बात की जाए दोस्तों, तो वहां पर कोई टेंशन की बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑथराइज लॉटरी अगर चल रही होती है तो वो क्या नहीं है, वो गलत नहीं मानी जाती। समझ में आए? तो वैसे अगर लॉटरी की बात की जाए तो भाई लॉटरी अगर हम बात करें तो उस केस के अंतर्गत लॉटरी क्या है, वो हो जाती है वॉइड, लेकिन वेजरिंग हो जाती है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट लॉटरी की बात करूं, किसकी बात करूं, गवर्नमेंट लॉटरी की बात करूं, तो वो जो है दोस्तों वो वहां पर आप बाकायदा उसे वो उस ट्रांजेक्शन में एंटर कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में आ गया? पक्का? चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट बात आ जाती है, दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ, दैट इज हमारा क्रॉसवर्ड पजल। आज अगर अपन क्रॉसवर्ड पजल की बात करें दोस्तों, तो जैसे माथापच्ची आपके किस में आती है दोस्तों? न्यूज़पेपर्स में आती है, आपने देखा ही होगा। अब माथापच्ची की बात की जाए तो क्या ये चांस ओरिएंटेड है क्या? क्या ये बेसिकली ऐसा है जो कि बेसिकली गलती से सॉल्व हो जाता है? तो आंसर इज नो। ये जो माथापच्ची है दोस्तों, ये माथापच्ची बहुत ही दिमाग लगा करके सॉल्व किया जाता है। तो क्या ये वेजरिंग होगा? द आंसर इज नो। ये जो क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, ये जो सुडोकू होते हैं, ये कहीं से भी क्या नहीं होते दोस्तों, ये वेजरिंग नहीं होते। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूज़पेपर के जो भी एडिटर्स होते हैं, वो आपसे इसके आंसर्स को बुलवाते हैं, और आंसर्स को बुलवाने के बाद आप के आंसर्स को एक बॉक्स में डालते हैं और फिर उसमें एक लॉटरी जैसा कंसेप्ट लेकर के उसमें से आंसर निकालते कि किसका सही है और किसका गलत है, तो यहां सॉरी मतलब किसका प्राइज मिलना चाहिए। तो ये जो वो करते हैं ना, ये लॉटरी जैसा कर देते हैं, और ये जब वो लॉटरी जैसा करते हैं तो वो क्या माना जाएगा दोस्तों? वो माना जाता है वॉइड। और वो माना जाता है वॉइड मतलब अगर आप क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते हैं तो बॉस वो कहीं से भी क्या नहीं है, वो कहीं से भी वेजरिंग नहीं है। लेकिन जब उसको एकदम क्या दे देते हैं, उसको एकदम दोस्तों लॉटरी जैसा रूप दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? वेजरिंग। क्या आपको ये बात समझ में? पक्का? नेक्स्ट हो जाता है स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन। स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन मतलब कि अगर अपन बात करें दोस्तों, जहां पर आप लगाते हैं एक प्रकार का सट्टा, तो वहां पर अगर आप एक तरीके का स्पेक्युलेशन करते हैं, सट्टा टाइप का करते हैं दोस्तों, तो वो देखा जाए तो वो क्या माना जाता है? वो एक तरीके से गैम्बलिंग माना जाता है। और वो क्या माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है वॉइड। ठीक है, स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले बात करते हैं किसकी दोस्तों? हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन की। आज अगर अपन बात करें दोस्तों किसकी? हॉर्स रेसिंग की बात करें, तो हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ऐसे केस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहां पर जो हॉर्स है दोस्तों, वो हॉर्स बेसिकली क्या है, ये भी चांस ओरिएंटेड गेम है। आप हॉर्स रेसिंग करते हैं तो हॉर्स रेसिंग क्या हो जाती है दोस्तों? हॉर्स रेसिंग तो चलो स्किल का काम हो गया, लेकिन इस रेस में कौन जीतेगा, ये चांस ओरिएंटेड हो जाता है आप जिस पर बाजी लगाते हो। तो इसीलिए ये जो है दोस्तों, ये क्या है, ये भी माना जाता है एक तरीके से वेजरिंग ट्रांजेक्शन। लेकिन दोस्तों ये अमीरों का खेल है, तो इसीलिए यहां पर अमीरों को थोड़ी सी इज्जत दी है, और वो इज्जत दी है दोस्तों हमारे इस हॉर्स रेसिंग ट्रांजेक्शन में, जिसके तहत ये बोला गया कि अगर मान लीजिए हॉर्स रेसिंग के अंतर्गत अगर आप जो प्राइज ऑफ द बेट है वो 500 रुपए के ऊपर लगाते हैं तो वो माना जाएगा वैलिड, और अगर आप 500 रुपए के नीचे लगाए जाए तो वो माना जाएगा वेजरिंग एंड वॉइड। मतलब हॉर्स रेस कंपटीशन के अंतर्गत अगर प्राइस पेबल 500 के ऊपर है तो वैलिड है, और 500 के नीचे है तो वॉइड है। समझ में आया? पक्का? अच्छे से मान लीजिए एक एग्जांपल है कि ए एंड बी एंटर हुए थे एक एग्रीमेंट में, जिसमें ए ने प्रॉमिस किया था कि वो 2 लाख रुपए देगा अगर प्रोवाइडेड जो घोड़ा है जिसका नाम चेतक है अगर वो हॉर्स विन कर गया तो। तो ये क्या है अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऐसे केस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये टाइप का जो बातचीत की है तो वो कैसा है, वो अग्रीमेंट इज टर्म्ड एज वॉइड, सॉरी वैलिड। अगर 2 लाख की बात की गई है तो इट इज टर्म्ड एज वैलिड। समझ में आ गया? और अगर इसी में ही वो 200 रुपए की बात करते तो वॉइड। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छे से चलो
आइए दोस्तों आगे बात कर देते हैं। आगे अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो वेजरिंग जैसे लगते हैं लेकिन एक्चुअली में है नहीं। जैसे कि अगर अपन बात करें दोस्तों चिटफंड की, चिटफंड ये नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा दोस्तों। तो जो इसके चिटफंड कंसेप्ट है वो वेजरिंग के कंसेप्ट में नहीं आता। इसके अंतर्गत सर्टेन पर्सन होते हैं बेटा जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फिक्स सम ऑफ मनी फॉर अ फिक्स पीरियड एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी अमाउंट उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया होता है वो एक लकी विनर को मिलता है लकी ड्रॉ के तहत। एग्जाम्पल वो जो बीसी वाला सिस्टम होता है ना, अरे आजकल किटी पार्टी होती है ना, किटी पार्टी जो पापा लोगों की किटी पार्टी होती है बेटा, पापा लोगों की किटी पार्टी कैसी होती है कि जिसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, सभी पापा मतलब सभी पापा और उनके फ्रेंड्स क्या करते हैं वो एक एक लाख रुपए सभी लोग टेबल्स पे रखते हैं, कुल मिलाकर के 12 दोस्त होते तो 12 लाख जमा हो जाते हैं। ऐसे चिट्ठी उछालते एक जन का नाम आता है, मान लीजिए नाम आया मिस्टर पारस, तो पारस को क्या उठा करके दे दिया बताइए दोस्तों, 12 लाख उठा करके दे दिया। तो आज 12 लाख किसको मिल गया, पारस को मिल गया। लेकिन ये क्या है, ये चिटफंड वाला जो कंपनियां होती है, ये निधि कंपनियां चिटफंड वाली जो कंपनियां होती है ये जो कर रही है बेटा, ये आपको लगेगा तो वेजरिंग जैसा लेकिन एक्चुअली ये वेजरिंग नहीं होता है, क्योंकि भाई ये हर महीने हर एक फ्रेंड को 12-12 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है 1-1 लाख रुपए आपने दिए 12 बार और आपको एक साथ 12 लाख रुपए मिल गए। समझ में आ गए पक्का? चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कमर्शियल ट्रांजेक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन। अगर कमर्शियल और शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन के अंतर्गत देखा जाए तो भाई शेयर मार्केट के अंतर्गत भी एक प्रकार का आप क्या करते हैं दोस्तों, स्पेकुलेशन ही करते हैं। तो अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं कि बॉस जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं बेटा, आप डिलीवरी ऑफ गुड्स लेते हैं, शेयर्स लेते हैं टू बी, और अगर अपन बात करें उसके अंतर्गत भी आप क्या करते हैं जो अमाउंट रहता है उस स्पेसिफाइड अमाउंट पर ही ट्रेडिंग करते हैं, तो वो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों वो जो है वो बेसिकली शेयर मार्केट की दुनिया है और शेयर मार्केट की दुनिया के अंतर्गत भी वेजरिंग लगता है लेकिन एक्चुअली वेजरिंग होता नहीं है। नेक्स्ट हो जाता है गेम ऑफ स्किल्स एंड एथलेटिक कंपटीशन। आज गेम्स ऑफ स्किल्स की बात की जाए दोस्तों तो उस केस के अंतर्गत भी बोला ये गया है कि बॉस यहाँ पर पे भी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली वेजरिंग है, बट ऐसा वेजरिंग नहीं, क्योंकि गेम ऑफ स्किल्स की बात की जाए तो उस केस के अंतर्गत दिमाग लगता है बेटा, और क्योंकि वहाँ पर दिमाग लगता है तो इस केस के अंतर्गत यहाँ पर आपको वेजरिंग नहीं कहा जा सकता। लेकिन ध्यान से समझिए, अब इसी में ही एक और एक्ट है जिसका नाम रखा गया प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट। क्या नाम रखा गया, प्राइस कंपटीशन एक्ट है। प्राइस कंपटीशन एक्ट अगर ये बोलता है कि अगर मान लीजिए ₹1,000 से ज्यादा अमाउंट का अगर मान लीजिए आप क्या देते हैं प्राइस देते हैं किसी को भी, तो 1000 से ज्यादा रुपीस का अगर आप प्राइस पे करेंगे दोस्तों तो फिर वो क्या माना जाएगा, वो वेजरिंग माना जाएगा। मतलब गेम्स और स्किल्स को वैसे वेजरिंग नहीं कहा गया लेकिन 1000 से ज्यादा का अगर मान लीजिए प्राइस मनी आप रखते हैं तो फिर उस केस में वो क्या माना जाएगा, वो वेजरिंग माना जाएगा। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वाला कंसेप्ट क्या है दोस्तों, अगर देखा जाए तो आप क्या करते हैं यहां पर अभी पैसा देते हैं, ठीक है, प्रीमियम के नाम पर, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको आपका पैसा मिल जाता है। तो एक्चुअली ये कहीं से भी वेजरिंग नहीं है। हाँ, हम इसे बहुत अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो हम इसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो कई लोगों को जिनको नॉलेज नहीं होती है तो वो इसे वेजरिंग बोलते हैं, बट एक्चुअली में ये वेजरिंग नहीं है, ये कैसा है दोस्तों, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आया पक्का? चलिए तो अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये चार प्रकार के ऐसे ट्रांजेक्शन है जो रिजेंबल करते हैं वेजरिंग को, बट ये वॉइड नहीं है। एग्जाम्पल चिटफंड हो गया, कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो गया, गेम ऑफ स्किल्स एंड एथलीट हो गया अगर उनका प्राइस अमाउंट जो है डज नॉट एक्सीड 1000, एंड लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। डाउट शिम्फा? चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में अब अपन बात करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट व्हाट दोस्तों, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ध्यान से समझना दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है ध्यान से समझेंगे दोस्तों, कंटिंजेंट का मतलब होता है कंटिंजेंट का मतलब होता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन कोलेटरल इवेंट। क्या बोला दोस्तों, ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन कोलेटरल इवेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन कोलेटरल इवेंट, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका पूरा होना या ना होना किसी फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। क्या वापस बोल रहा हूं दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जिसका पूरा होना या ना होना किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है
बस उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना या ना होना, होना या ना होना डिपेंड करेगा किसी और इवेंट के होने या ना होने पर। एग्जाम्पल के नाम पर दोस्तों मैंने खोल दिया नाहटा कंप्यूटर क्लासेस। आज की डेट में सभी को ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए तो उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने खोल दिया क्या दोस्तों नाहटा कंप्यूटर क्लासेस। अब नाहटा कंप्यूटर क्लासेस मेरे को ओपन करना है तो ऑब्वियसली बात है मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मुझे चाहिए कंप्यूटर। कंप्यूटर के नाम पर भाई यहाँ पर मेरे पास मेरे को खरीदने थे कंप्यूटर, और मैं गया किसकी शॉप में, मैं गया फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शांतनु की शॉप में। शांतनु की शॉप में मैंने जाकर के उनसे बोला कि भाई मुझे कंप्यूटर चाहिए 50 कंप्यूटर। बोले सर मिल जाएंगे, कौन से चाहिए, एचपी, डेल, एसर, आसूस। मैं कहा एप्पल। मैंने कहा कौन से चाहिए, मेरे को एप्पल। मैं कहा 50 कंप्यूटर चाहिए। बोले सर ये बहुत महंगे आते हैं सर, और इतने सारे कंप्यूटर तो हमने रखे भी नहीं है, ये तो 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए का एक एक कंप्यूटर आता है। मैंने कहा डन, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे 50 चाहिए। तो बोले ठीक है सर एडवांस लगेगा। मैंने कहा कितना, बोले सर 50 लाख रुपए। मैंने कहा डन। मैंने तुरंत बेटा अपनी जेब से चेकबुक निकाली, 50 लाख रुपए का चेक फाड़ा, उनके हाथ में रख दिया। बोले सर ठीक है मैं अरेंज करवाता हूँ, हर जगह से पता करवाता हूँ। मैंने कहा भाई सुनो, मेरा कंप्यूटर क्लासेस का इनॉग्रेशन है 1st of October को, 1st of October के पहले पहले मुझे चाहिए है, अगर तुमने नहीं दिया मैं तुम्हारे ऊपर क्या कर दूंगा, केस कर दूंगा। बोले सर 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 फिर रुको एक सेकंड, रुको। एक तो सर मेरे को वैसी झंझट लग रही है, हो पाएगा कि नहीं। सर एक सेकंड मैं ये चेक रख रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 तारीख तक के कंप्यूटर आ गया, मैं अमेरिका फोन कर रहा हूं, यूएसए फोन कर रहा हूं, और यूएसए से मैं क्या कर रहा हूं, यूएसए से मैं मंगा रहा हूं कंप्यूटर्स को, अगर मान लीजिए 1 तारीख के पहले पहले कंप्यूटर आ गया तो मैं आपको कंप्यूटर दे दूंगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। और अगर 1 तारीख के अंतर्गत कंप्यूटर नहीं आया तो भाई अपना कंप्यूटर विल, अपना कंप्यूटर का ट्रांजेक्शन विल बी टर्म्ड एज वॉइड। सर खामखा मेरे को पचड़े में नहीं पड़ना है, खामखा आई डोंट वांट कि आप मुझे पर्टिकुलरली कल के दिन क्या करें, मेरे ऊपर केस वेस करें, मेरे ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करें, बिल्कुल नहीं जमेगा सर मेरे से। आप तो क्या करिए भैया, मैं आपको बोल दे रहा हूं ये मैं आपका यूएसए में कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, मैं यूएसए में बोल दे रहा हूं, उन लोग वहां पे शिप में माल डाल करके ले आएंगे। अगर बात की जाए तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए शिप आ गई, ध्यान से समझना, अगर वो शिप आ गई तो फिर बॉस मैं आपको दे दूंगा क्या, मैं आपको दे दूंगा कंप्यूटर्स 1 तारीख को, और अगर शिप नहीं आई तो मैं आपको कंप्यूटर नहीं दूंगा। मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब वैलिड होगा, जब वो शिप आएगी। अब कब वैलिड नहीं होगा, जब शिप नहीं आएगी। तो भाई शिप आ गई तो वैलिड, शिप नहीं आई तो वॉइड। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगेन बेटा अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच पर्टिकुलरली हम क्या करते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच जो सॉरी अ कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जिसके अंतर्गत उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना, डेट इज वैलिड होना या वॉइड होना डिपेंड करेगा किसी और इवेंट के होने या ना होने पर। तो अपन बोलेंगे कॉन्ट्रेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडीशन इज ऑफ अनसर्टेन नेचर। द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट द प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड फ्यूचर अनसर्टेन कोलेटरल इवेंट। कोई भी डाउट दोस्तों, फिक्स है अच्छे तरीके से। अच्छा अगर अपन बात करें दोस्तों कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ध्यान से समझिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट दोस्तों, कंटिजेंसी। फिर इवेंट कैसा होना चाहिए, अनसर्टेन, और कोलेट्रल इवेंट होने चाहिए। तीन कंडीशंस आपको पूरी करनी है। पहला क्या बेटा, कोई ना कोई चीज़ की कंटिजेंसी होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो काम हो ही सकता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों अनसर्टेन इवेंट, व्हाट इज अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट का मतलब हो जाता है दोस्तों कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और तीसरा है कोलेट्रल होना चाहिए। आज लैपटॉप वो जो कंप्यूटर है उसका आना मेन इवेंट है, उसके लिए जो तुमने शिप करवाई है वो है कोलेट्रल इवेंट। फिर वो शिप आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, क्योंकि नदी में क्या आ सकता है, सुनामी, तो तकलीफ हो जाएगी, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। एंड द परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन कंटिजेंसी, डेट इज आ भी सकती है और नहीं आ सकती। समझ में आएगी नहीं है? तो इसीलिए बेटा यहां जहां कहीं पर भी ये तीनों पॉइंट्स पूरे होंगे तो वहां पर कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ में आए? एग्जाम्पल के नाम पर ध्यान से समझना, एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए देने की बात की है आफ्टर 2 डेज ऑफ डेथ ऑफ जेड। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या यह एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बताइए फास्ट।
चलिए बहुत अच्छा, सभी के आंसर आने लग गए कि सर 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 ये तो क्या नहीं है, ये तो पर्टिकुलर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई आपका क्या इवेंट होना चाहिए? अनसर्टेन। अनसर्टेन इवेंट मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पे डेथ होना तो क्या सर्टेन है? अरे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चचा कभी तो निपटेंगे। तो चचा जैसे ही निपटेंगे उसके दो दिन के बाद मैं आपको क्या दे दूंगा? 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो ऐसे केस के अंतर्गत देखा जाए दोस्तों तो डेथ तो होगी होगी, तो इसीलिए वो अनसर्टेन है। और अनसर्टेन है इसीलिए क्या नहीं है दोस्तों? कोलेट्रल ट्रांजेक्शन भी नहीं है। अब सवाल उठता है वेजरिंग और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों अगर अपन बात करें तो भाई वेजरिंग क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। और कंटिजेंट क्या हो जाता है? वैलिड हो जाता है। वेजरिंग के अंतर्गत जो फ्यूचर इवेंट है वो एसेंशियल हो जाता है, और कंटिजेंट के अंतर्गत जो फ्यूचर इवेंट है वो कोलेटरल हो जाता है। अगर अपन बात करें दोस्तों तो वेजरिंग जो है वो कंटिजेंट नेचर का होता है, लेकिन जो कंटिजेंट है वो वेजरिंग नेचर का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज दोस्तों अगर अपन इंटरेस्ट की बात करें तो वेजरिंग में नो अदर इंटरेस्ट होता है, बट हां कंटिजेंट के अंतर्गत हमारा इंटरेस्ट रहता ही रहता है। अच्छा ध्यान से समझना, वेजरिंग के अंतर्गत ना रेसिप्रोकल प्रॉमिस का होना जरूरी है। भाई बाहर बारिश होगी, नहीं हुई तो मैं 100 रुपए दूंगा, होगी तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे, ऐसा रेसिप्रोकल प्रॉमिस रहता है। लेकिन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आया दोस्तों? पक्का अच्छे तरीके से? सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट दोस्तों? That is about the wagering and contingent. मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा है। पक्का जल्दी से कुछ डाउट हो तो पूछिए दोस्तों। कोलेट्रल इवेंट वाला पॉइंट बेटा, जैसे अगर लैपटॉप का आना मेन इवेंट है, उसके लिए जो हमारा कोलेट्रल इवेंट मतलब साथ साथ चलने वाला इवेंट, तो जो शिप आ रही है उस शिप का आना कोलेट्रल इवेंट हो जाता है। चलिए यशमान, अगर ऐसा न्यूज़पेपर वाला होगा वॉइड होगा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा ना, अगर न्यूज़पेपर वाले प्राइज़ नहीं थे तो। बेटा देखो वॉइड होता है, इलीगल नहीं होता ना यशमान। तो अगर वॉइड है ठीक है, लेकिन आपको आपका प्राइज मिल जाता है, सामने वाला प्राइज नहीं देगा तो आप केस नहीं कर सकते, बस ये वाली बात है। यह संभव रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, लेकिन हम बात करें कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, लेकिन आप अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाहर देखो तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब पैदा हुआ? कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कंटिजेंट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इस इवेंट का होना या ना होना उस पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब यह है कि वो इवेंट होगा तो आप मुझे लैपटॉप देंगे, लेकिन मैं बदले में आपको कुछ दे रहा हूं क्या? तो अगर अपन वो कॉन्ट्रैक्ट के परव्यू से बाहर आए तो फिर वहां पर देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। सर कैसीनोस के केस में लॉटरी और वेजिंग और गैम्बलिंग वैलिड होता है? नहीं होता है बेटा, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस कंट्री में कर रहे हो। लास वेगास वगैरह में जाओगे तो शायद वहां पे वैलिड होता होगा, पता नहीं। कोलेट्रल इवेंट वाला पॉइंट बता दीजिए। मैंने बता दिया बेटा। सर इधर प्रोवाइड योर नोट्स इन PDF और टेल अस अबाउट हाउ टू यूज द ऐप ऑन लैपटॉप प्लीज, फोन से पढ़ना मुश्किल होता है। हाँ ही ना, आपको अभी लैपटॉप का मिल जाएगा वीडियो, मैं आपको बताया हूँ कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं, एक दो दिन के अंतर्गत वर्किंग हो पाएगी। सर प्राइस 1000 रहता है तो जो गेम होते हैं वो भी वॉइड होंगे टूर्नामेंट वाले? बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पार्ट ऑफ कंटिजेंट? यस। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन के बारे में बता दीजिए प्लीज सर। हाँ बता दूंगा सर। वेजिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस मस्ट है? हाँ बिल्कुल मस्ट है। MPL का आइडिया नहीं है बेटा, आई एम वेरी सॉरी, मैंने उसे देखा नहीं, खेला नहीं, तो आइडिया नहीं है। क्रॉसवर्ड पजल तो स्किल का गेम है, तो वॉइड कैसे होगा सर? अगर उसके अंतर्गत क्या होता है क्रॉसवर्ड पजल के लिए, अगर आपको न्यूज़पेपर वाले आपके पास आंसर बुलाते हैं अपने पास, फिर उसको एक बॉक्स में डालते हैं, उसको लॉटरी जैसा निकालते हैं और आपको इनाम देते हैं, तो वो वाले केस में वो क्रॉसवर्ड पजल वाला गेम जो है वो वॉइड हो जाएगा, मतलब वहाँ पर वेजरिंग हो जाता है वो।
नहीं संभव, इसमें पास्ट कंसिडरेशन वाला कंसेप्ट नहीं लगता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले थोड़ी ना दिया अपने, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही दिया ना बेटा। तो पास्ट कंसिडरेशन तो वो होता है जब अपन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले कंसिडरेशन को पास ऑन कर दे, वैसा है। हाँ कर सकते हैं, स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन जो होता है वो एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है बेटा जो कि शेयर मार्केट की दुनिया में किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमारा जो कमोडिटी है, ठीक है, जो हम परचेज करना चाहते हैं, वो कमोडिटी के लिए हम पहले से एक प्री डिफाइंड प्राइस वहाँ पर क्या करते हैं, बता देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो गोल्ड है वो आगे जा करके जो है फॉर एग्जांपल वो हो जाएगा 1,000 रुपये का, या फॉर एग्जाम्पल अभी 40,000 रुपये का, मुझे लगता है ऐसा है कि आगे जा करके वो 50,000 का हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आज ही उसे बोलूँगा कि भाई मैं आगे जा करके आपसे क्या लूँगा, गोल्ड लूँगा, ठीक है। तो आज मैंने क्या कर दिया, आज ही मैंने गोल्ड को लेने के लिए, आज नहीं लूँगा मैं, लूँगा कब, या फिर इसे और अच्छे समझा देता हूँ, रुको थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा इस कंसेप्ट को। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन ध्यान से समझिए, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन के अंतर्गत क्या हो जाता है, यहाँ पर ना अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना शेयर मार्केट की दुनिया के अंतर्गत क्या वर्किंग होती है, ध्यान से समझो। आज गोल्ड का प्राइस चल रहा है कितना, 50,000 रुपये, मुझे आगे जा करके लग रहा है कि कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। मान लीजिए मेरे सामने है फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए संभव, मैंने संभव से बोला यार मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाकर के गोल्ड जो है वो 60,000 का हो जाएगा, बोले नहीं नहीं सर आगे जाकर के गोल्ड जो है वो गिरना है, मैं कहा नहीं ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बोले नहीं सर गिर जाएगा, मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा अगर बढ़ा तो, बढ़ा तो, बोले सर मैं आपको पैसा दे दूंगा, और उसने बोला सर गिरा तो, मैंने बोला गिरा तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, मतलब 50,000 से 60,000 रुपये हुआ तो 10,000 अगर अंतर आएगा तो आप मुझे दोगे, 50,000 से अगर 40,000 हो गया, 10,000 रुपये गिर गया तो मैं आपको दूंगा, ये हमारे बीच में क्या हो गई दोस्तों, बातचीत हो गई। अब ऐसे केस के अंतर्गत ना मेरे पास गोल्ड है ना संभव के पास गोल्ड है, तो ये जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ये प्योरली स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन होता है, जिसे अपन वेजरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेजरिंग बोलते हैं। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि गोल्ड 50 से 60 होगा, लेकिन एक्चुअली गोल्ड पता है कितने का हो गया, 40 का हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है यार ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गोल्ड पक्का आगे जाकर के 70 भी टच करेगा, पता नहीं कैसे तो भी गिर गया है। तो ठीक है बॉस, मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं कोशिश तो यही करूंगा ना कि 10,000 रुपये का नुकसान बुक करूं, इससे अच्छा 50, इससे अच्छा क्या करूं, गोल्ड को खरीद लूं। तो अगर यही चीज मैं शेयर मार्केट में करूंगा तो 50,000 रुपए की चीज है, और शेयर मार्केट में अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि भाई ये 50 का 60 होगा, और अगर गोल्ड गलती से 50 का 40 हो गया, तो एक्चुअली मैं क्या करूंगा, मैं शेयर मार्केट के अंतर्गत ये 40,000 रुपए की गोल्ड को कितने में खरीदूंगा, 50,000 रुपए, क्योंकि हमने बेस प्राइस कितना माना था, 50,000। तो आज भले ही 40 का रेट है, लेकिन मैं इसी 40 की चीज को कितने में खरीदूंगा, 50,000 रुपए। अब 50,000 की कमोडिटी अगर मेरे पास आ गई तो आज नहीं तो 2 महीने के बाद शायद ये 70 चला जाएगा, तो 70 जाएगा तो मैं 70 में से उठा करके बेच दूंगा, तो 20,000 रुपए का मुझे क्या आ जाएगा, मुनाफा आ जाएगा। अभी क्या हो रहा था, अभी क्योंकि मैं अगर मान लीजिए संभव के केस में खरीद नहीं पा रहा था तो मुझे 10,000 रुपए दे करके छुटकारा पाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरे घर से 10,000 रुपए चले गए। अरे आज अगर मेरे पास खरीदने का मौका मिल जाए, मेरे पास पैसे मिल जाए, तो भाई मैं 50 में खरीदूंगा, आज भी 10,000 का नुकसान हुआ क्योंकि 40 की चीज 50 में खरीदा, लेकिन एटलीस्ट रोके रहूंगा, तो कल ये 50 की चीज अब 70 हो जाएगी तो बेचूंगा, तो यार 10 का नुकसान हुआ, 20 का फायदा हुआ, तो 10 रुपए, तो 10,000 रुपए तो बच गए ना दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ऐसे केस के अंतर्गत जो है दोस्तों यहां पर होता है स्पेक्यूलेशन। समझ में आया पक्का अच्छे तरीके से, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आगे बात करने वाले लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे, दैट इज अबाउट द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चलो व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेटा जिसे मैं बोलता हूं ना होने पर भी होने का एहसास, मिस्टर इंडिया। अगर अपन बात करें दोस्तों, ना होने पर भी होने का एहसास इज नोन एज व्हाट दोस्तों, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट है नहीं लेकिन मान लिया जाता है।
क्या बोला, एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट है नहीं लेकिन मान लिया जाता है। सर एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं और वो एसेंशियल एलिमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्योंकि वो एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट फिर भी अपन इसे क्या मान रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया दोस्तों, पक्का अच्छे तरीके से? तो अगर अपन बात करें दोस्तों, ऐसा हर केस में नहीं होगा, ऐसा आप हर जगह नहीं बोल सकते कि भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। इसके लिए कुछ यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 ऐसे केसेस दिए गए, उन केसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहला केसेस है बेटा राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ नेसेसरी। किसकी बात हो रही है, नेसेसरी। आज अगर अपन बात करें तो माइनर के केस में बताओ मुझे, माइनर के साथ किया हुआ अग्रीमेंट वैलिड होता है कि वॉइड होता है दोस्तों? तो आंसर इज वॉइड होता है, बट अगर आप उसे नेसेसरी प्रोवाइड करते हो तो बोला जाता है इट विल बी टर्म्ड एज वैलिड, इट विल बी टर्म्ड एज वैलिड। और आप कितना पैसा ले सकते हो बताइए बेटा, जो भी आपने अमाउंट ऑफ जो भी आपने उन्हें अमाउंट दिया वो, या फिर उनके पास जितने की प्रॉपर्टी है वो, विच एवर इज लोअर, आप इतना वसूल कर सकते हो ना। तो ये बात जो अपन ने माइनर के केस में पढ़ी थी ये किसकी वजह से पड़ी थी, ये अपन ने पड़ी थी बिकॉज ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पर कंसेप्ट लगता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन। क्या लगता है बेटा, दैट इज जो प्रिंसिपल लगता है यहां पे वो लगता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का, कि एवरीवन इज इक्वल बेटा। किसी और के सिर्फ इसलिए कि भाई तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एसेंशियल एलिमेंट नहीं है तो एक जन नुकसान पे हो जाए और एक जन फायदे पे चले जाए, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लगाया जाता है, जिसके तहत हम क्या करते हैं दोस्तों, जिसके तहत हम पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट है नहीं बट फिर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। समझ में आया, पक्का? तो पहला है केस किसका, राइट टू रिकवर द प्राइस ऑफ नेसेसरी। दूसरा केस है राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। कई बार अपन दूसरे पर्सन के लिए क्या करते हैं बेटा, कुछ पैसा पे करते हैं। एग्जाम्पल के नाम पर मान लीजिए बेटा, मेरा जो घर है, मेरा घर फॉर एग्जाम्पल जो है एक अपार्टमेंट में, और उसी अपार्टमेंट में मिस्टर यश भी रहते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, मेरे घर पे, मेरा जो घर है वो 17th फ्लोर पे, एक गैस टैंक लेकर के बेटा मेरे घर पे एक बंदा आया गवर्नमेंट का, जो कि गैस टैंक की हमें सप्लाई करता है। अब उसे मेरे घर पे बहुत बेल्स बजाई लेकिन मैं था नहीं, मैं तो क्लासेस में आकर के पढ़ा रहा था। यश ने दरवाजा खोला तो यश ने पूछा सर क्या हो गया, बोले सर वो गैस टंकी लेकर के आया। उसने बताया अचिन सर तो है नहीं। अब ये बोला सर इतना नीचे लेके जाऊंगा फिर वापस लेकर के आऊंगा, सर प्लीज आप रख लीजिए। तो यश ने बोला ठीक है सर मैं रख लेता हूं, और उसने 1200 रुपीस पे कर दिए। अब यश ने क्या किया, यश ने मनी पे किया किसके लिए, अचिन नाहटा के बिहाफ में, इंसानियत के नाम पर। अच्छा अब क्या हुआ, मैं आया, मेरे को यश ने बोला सर आपकी गैस टंकी आई हुई है, मैंने दरवाजा खोला, इनके ऐसे गैस टंकी लिया, इनके मुंह पे दरवाजा फेंक दिया बेटा। अब आप मुझे बताइए भाई, इनको लगा यार पैसे देने चाहिए थे सर को लेकिन सर ने पैसे दिए ही नहीं, चलो कोई बात नहीं कभी और ले लेंगे। हफ्ता निकला, महीना निकला, साल निकला, सब निकल गया बताइए। अब दोस्तों इन्होंने शर्मा शर्मी में पैसा नहीं मांगा, अपन ने बेशर्मी में पैसा नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर ये एक दिन मुझे बोलते कि सर 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 मुझे क्या चाहिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल पैसा चाहिए, मैंने इन्हें पैसा देने से मना कर दिया। अब ये बोलते कि सर ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपने गैस टंकी भी ले लिया और मुझे पैसा नहीं दे रहे। मैंने कहा जो करते बनता है कर लो। अब आप मुझे बताइए, मैंने बोला एक ही चीज़ की भाई मैंने तो तुम्हें कोई ऑफर नहीं दिया, तुमने तो कोई एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, सो ऑन दैट बेसिस भैया जो करते बनता है कर लो। अगर मैं ऐसा बोल दूंगा यश को, क्या ये चलेगा क्या? द आंसर इज नो। ऐसे केस के अंतर्गत देखा जाए तो बॉस, अगर मान लीजिए आपने सामने वाले के लिए, अगर किसी और ने, कोई इंसान ने कोई पैसा पे किया है और सामने वाले को उसके मजे मिले हैं, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है बताइए दोस्तों, पैसा रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट केस, राइट टू रिकवर फॉर नॉन ग्रेचुटस एक्ट। नॉन ग्रेचुटस, ग्रेचुटस का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, फ्री। ग्रेचुटस का मतलब होता है फ्री, तो नॉन ग्रेचुटस का मतलब हो जाएगा नॉट फ्री। अब एग्जाम्पल के नाम पर हुआ क्या, एग्जाम्पल के नाम पर हुआ ऐसा दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बहुत तेजी भूख भी लग रही थी दोस्तों, और मेरा बैच अभी अभी छूटा है, नेक्स्ट बैच 15 मिनट में आने वाला, बहुत तेज भूख लग रही, और अचानक से खुदा का फरिश्ता ये लाल कपड़े पहने हुए दोस्तों पिज्जा का हाथ में डब्बा लिए, ऐसे 5 डब्बे लिए बेटा, ये इंसान मेरे सामने प्रकट हो गया। इसने 5 डब्बे दिए, बोले सर ये आपके लिए पिज्जा फॉर यू। मैंने जैसे ये देखा बेटा, मैंने उसे आओ देखा ना ताओ, मैंने उसे 5 डब्बे लिए और बेटा खाना चालू कर दिया। 15 मिनट है, 5 पिज्जा अपन को खत्म करने, और भूख भी तेजी से लग रही, अपन ने 2-3 पिज्जा खाए, अब सब डबल डेकर चीज भस्ट पिज्जा था बताए, अब चीज भस्ट पिज्जा था बेटा। तो अपन ने 3 खाए, अब अपन को लगा बॉस थोड़ा ज्यादा ही हो गया, हैवी हो गया, लेकिन फिर भी अपन ने हिम्मत नहीं आनी है, 5 के 5 पूरे खत्म करने। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, मैं क्या किया, 3 डब्बे पूरे खत्म करने के बाद मैं सोचा यार थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा घूम करके आते हैं, थोड़ा सा
हिलेंगे तो बेटा ऐसा हो जाएगा। तो अब मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके सोचे पिज्जा के डब्बे फेंक के आता हूँ, इतनी देर पे कौन खड़ा है बाहर, पिज्जा वाला ही खड़ा है। अब मैंने उससे बोला, बॉस तुम क्यों खड़े हो, यू वांट टू जॉइन मी? बोलता है नहीं नहीं सर, मैं तो अपने पैसे के लिए खड़ा हूँ। मैं कहा पैसे कैसे पैसे? बोले सर आपने पिज्जा खाया उसके पैसे। मैंने कहा पिज्जा मैंने मंगाया नहीं था। बोले सर शर्मा जी ने मंगाया था। मैं कहा शर्मा जी? मैंने कहा वो तो ऊपर रहते, मैं तो नाटा जी हूँ। एक काम करो भाई, तुम ये पकड़ो पांचों पिज्जा के डब्बे और तुम शर्मा जी को दे आओ। बोलता नहीं सर आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैंने मंगाया नहीं, मैं तो पैसा दूंगा ही ना, तो हुआ ऑफर ना तो हुआ एक्सेप्टेंस, ऑन डैट बेसिस यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मैं तो आपको पैसे नहीं दूंगा। अब आप मुझे बताइए क्या पिज्जा वाला चला जाएगा क्या? नहीं। उस केस के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? उस केस के अंतर्गत वो मुझसे पैसे मांगेगा। कितने पिज्जा के पैसे मांगेगा दोस्तों? 3 पिज्जा के पैसे मांगेगा। क्या मुझे देना पड़ेगा? आंसर इज यस। द केस इज बिकॉज ऑफ व्हाट दोस्तों? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया दोस्तों? पक्का। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे बीच में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें दोस्तों, को कई बार गुड्स, गुमे हुए गुड्स किसी को मिल जाते हैं, तो गुड्स मिलने के लिए सबसे पहले क्या हो जाता है? गुमना जरूरी है। तो अगर किसी के गुड्स गुम गए हैं और किसी इंसान को मिल गए हैं, तब ऐसे केस में वो इंसान क्या करता है? वो इंसान क्या करता है दोस्तों? वो गुड्स को अपने पास संभाल करके रखता है और ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करता है। अब ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करेगा, ट्रू ओनर मिलेगा तो वो क्या करना चाहिए? ट्रू ओनर को उसके गुड्स वापस दे देना चाहिए और उससे क्या ले लेना चाहिए? लॉफुल एक्सपेंसेस ले लेना चाहिए। मान लीजिए, बताइए दोस्तों, आज मेरे सामने फॉर एग्जांपल सोनाली है और सोनाली जी का डॉग है बेटा जिसका नाम है राखे। राखे जो है बेटा वो गुम गया और मान लीजिए मेरे पास आ गया। अब मुझे पता ही नहीं है दोस्तों कि ये डॉग जो है वो सोनाली का है। मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की कि भाई डॉग किसका है किसका है, सब बच्चों को फोटो वोटो भेजी, सब कुछ किया बेटा। 4 से 5 दिन के बाद मुझे पता चला कि डॉग किसका है? सोनाली का है। तब तक इस डॉग को मैंने मस्त अच्छा खाना खिलाया बेटा, थोड़ा खर्चा किया, मस्त इसको अच्छी जगह पर रखा, नहलाया धुलाया सब कुछ कराया, तो थोड़ा खर्चा आया। अब सोनाली को मैंने बोला मैं आपको डॉग देने को तैयार हूं, लेकिन आपको इस खर्चे के, इसके लिए खर्चे के क्या देने होंगे? पैसे देने होंगे। अब सोनाली का कहना ऐसा है कि सर मैंने तो आपको ऑफर नहीं दिया था कि ढूंढ करके दो, तो ना ही कोई ऑफर हुआ ना ही कोई एक्सेप्टेंस हुआ, ऑन डैट बेसिस इस डॉग के कोई भी खर्चे आपको नहीं मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ऐसे केस के अंतर्गत अगर सोनाली मना करती है तो क्या ये सही है क्या? द आंसर इज नो। तो ऐसे केस के अंतर्गत क्या मैं सोनाली से पैसा ले सकता हूँ? आंसर इज यस। भले ही यहाँ पर ना ही कोई ऑफर हुआ ना ही एक्सेप्टेंस हुआ, ना होने पर भी होने का एहसास। समझ में आया? पक्का? अच्छे से चलिए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में ही है, राइट टू रिकवर द मनी, राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम अ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग्स इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। कई बार क्या हो जाता है बेटा, कुछ गुड्स अपन मिस्टेकिंगली क्या कर देते हैं? किसी पर्सन को दे आते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं प्रतीक सर को बेटा, प्रतीक सर है। अब मान लीजिए बेटा मैं और प्रतीक सर ने क्या किया? उधार मांगा। किससे उधार लिया? हमने उधार लिया फॉर एग्जाम्पल किससे? मिस्टर अजय से। चलो तो मिस्टर अजय से हमने क्या लिया दोस्तों? उधार लिया। अब ध्यान से समझना, अब मिस्टर अजय के पास मैं गया और प्रतीक सर गए, हम दोनों ने मिलकर के उधार लिया 5 लाख रुपए। अब आज मैच्योरिटी डेट थी, उन्हें पैसा लौटाने की बात थी। अब प्रतीक सर को पता था कि भाई अचिन जो है वो पैसा लौटाए ना लौटाए पक्का यकीन नहीं है उन्हें मेरे ऊपर, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद ही जाकर के किसको पैसा दे दिया? अजय को पैसा दे दिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगा क्या प्रतीक सर का नाम इन्वॉल्व्ड है, अपन को यहां पे गलत काम नहीं करना चाहिए, तो इस केसेस पर मैंने भी जाकर के पैसा किसको दे दिया? बताइए दोस्तों, अजय को दे दिया। और बेशर्मी की बेइंतहा देखो बेटा, अजय ने दोनों के पैसे रख लिए। अब आप मुझे बताइए, हुआ ये कि हम दोनों घर पहुंचे। जब हम दोनों घर पहुंचे तो प्रतीक सर ने बोला अजय को पैसे दे दिए? मैंने कहा हां दे दिया। प्रतीक सर बोले भाई मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैं कहा क्या बात कर रहे हो, आपने भी पैसे दे दिए? मैंने कहा मैंने भी दे दिया बेटा। मैंने तुरंत शूज पहने और तुरंत दौड़ लगाई किसके यहां पर? अजय के घर पर। और मैंने अजय से बोला अजय मुझे मेरे पैसे चाहिए। अजय बोलता सर आपकी गलती, मैंने तो आपको ऑफर नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, आपने अपने आप पैसे दे करके गए, और सर आप ही नहीं सिखाया, पैसा हाथ का मैल, मेरे हाथ एकदम साफ, तो आप जो ये बोल रहे पैसे तो मेरी तरफ से लो कैसे पैसे। अब आप मुझे बताइए, ऐसा बोल करके अजय जो है दोस्तों, वो अजय बचने की कोशिश कर रहा है, बोलता सर मेरी कोई गलती नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या अजय जो है क्या ऐसा बोल करके बच सकता है क्या? आंसर इज नो। इस केस के अंतर्गत अजय के ऊपर क्या हम केस कर सकते हैं? आंसर इज यस। समझ में आ गया दोस्तों? पक्का?
चले एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, दैट इज फीचर्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। और फीचर्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप ये चीज पढ़ेंगे तो आपके मन में माइनर वाला क्या आना चाहिए दोस्तों, कंसेप्ट आना चाहिए। माइनर वाला कंसेप्ट मन में लेकर के जब इस आंसर को पढ़ोगे ना दोस्तों, तो ये आंसर आपके दिमाग में एकदम फिट बैठेगा। दैट इज व्हाट दोस्तों फीचर ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? पहला, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके द्वारा इम्पोज है दोस्तों? लॉ के द्वारा इम्पोज है। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट से अराइज नहीं होता है, ये लॉ के द्वारा इम्पोज होता है। मतलब अग्रीमेंट को बोलने को तो माइनर का याद करो ना, नेसेसरी जब सप्लाई करते हैं माइनर को तो माइनर तो बोलता है भैया मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन बॉस 5 लाख और प्रॉपर्टी विच एवर इज लोअर ही मिलती है ना। तो जो इम्पोज किया गया किसके द्वारा? लॉ के द्वारा जो इम्पोज किया गया उसके मायने हैं, जो आपने अग्रीमेंट में लिखा है वो उसके मायने नहीं है। समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट है बेटा, द ड्यूटी ऑफ अ पार्टी एंड नॉट द प्रॉमिस ऑफ एनी पार्टी इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। बोला गया है कि भाई जो ड्यूटी है, जो लॉ ने आपको बोला है आपको वो मानना है, जो आपने प्रॉमिस किया है उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, राइट आपको हमेशा हमेशा किसका मिलेगा? मनी का मिलेगा। आप कभी क्या अपने माइनर को उठा करके क्या घर ले जा सकते हो क्या, किससे झाड़ू पोछा बर्तन करवाएंगे? आंसर इज नो। क्या हमेशा और हमेशा आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल होती है क्या वो माइनर के प्रति होती है? आंसर इज यस। आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल होती है माइनर के प्रति होती है, इनफैक्ट उसके पेरेंट्स के प्रति भी नहीं होती। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके अंतर्गत जो भी आप केस करते हैं वो केस सेम वे पर फाइल होता है जैसे कि कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा। तो ये फीचर आपको बहुत अच्छे से क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। पहला, इंपोज बाय लॉ होता है, ड्यूटी ऑफ दी पार्टी होती है। तीसरा, राइट ऑलवेज ऑफ मनी होता है। चौथा दोस्तों, अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन ही होता है। एंड लास्ट बेटा, जैसे आप नॉर्मल केस का, जैसे आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच को या नॉर्मल जो ब्रीचिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए जैसा केस करते हैं, वैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी केस करेंगे। समझ में आया दोस्तों? पक्का? अच्छे तरीके से? चलो सो दोस्तों, सो थैंक यू सो मच। एंड आज का रिवीजन अपना बहुत ही अच्छा रहा। अपने मेरी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 को भी खत्म कर लिया, और कल अपन करेंगे इसके रिगार्डिंग केस स्टडी। बहुत ही शानदार केस स्टडीज होंगी दोस्तों। सो प्लीज कल की क्लास जरूर अटेंड करिए, लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा अटेंड करिए। मैं देखता हूँ लाइव सेशन में बच्चे जो है वो अभी कम देख रहे हैं, लेकिन जब इनके नंबर ऑफ व्यूज देखता हूं मैं बाद में, तब आराम से 400-500 बच्चे बाद में और देखते हैं बेटा। तो आई वॉन्ट कि आप लोग इसी समय ही जरूर देखें, हमारे साथ ही रिवाइज करें, आपको ज्यादा मजा रिवीजन करने में ही होगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड दिस इज अच्छे नाडा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टाटा बाय बाय, सी या, बाय बाय।